साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच आज बांग्ला भाषी हिंदी लेखिका प्रोफेसर सोमा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर सोमा जी का विधिवत परिचय हमारे शोधार्थी कार्तिक देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सोमा जी का रचनात्मक जीवन बहुआयामी है और इनका निजी जीवन भी चुनौतियों से भरा रहा है। आप सदा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। आपको देखकर लगता है कि जिम्मेदारियां भार नहीं होती यदि आप इसे उठाने की कला जानते हैं। विगत 5 वर्षों में डॉक्टर सोमा जी पहले विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, फिर वहाँ की रजिस्ट्रार, फिर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर और अब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं और इन सभी पदों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। प्रशासनिक पदों पर होना एक बात है, पर साहित्य का शिक्षक होते हुए, साहित्य लेखन करते हुए, परिवार संभालते हुए और अपने को सुंदर, स्वस्थ, ऊर्जावान बनाए रखते हुए उच्च प्रशासनिक नेतृत्व को बखूबी निभाना बिल्कुल और बात है, बल्कि आप कहें तो एक असाधारण बात है जो हमें डॉक्टर सोमा बनर्जी में दिखाई देता। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य की अच्छी जानकार डॉक्टर सोमा जी ने अभी हाल ही में टैगोर पर एक किताब लिखी है। विश्व कवि रविंद्रनाथ नाम की इस पुस्तक में रविंद्रनाथ के रचनात्मक जीवन के विविध पक्षों पर प्रभावशाली तरीके से विचार और प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, अब थोड़ी बात टैगोर व्याख्यान माला के उद्देश्यों की। प्रेसिडेंसी का हिंदी विभाग व्याख्यान मालाओं के जरिए अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य को वैश्विक मानकता प्रदान करना चाहता है। हमारी कोशिश है कि यहाँ से अपनी डिग्रियाँ लेकर निकलने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह का अनुभव मिल जाए, जिससे कि उन्हें अपनी आगे की मंजिलों को पाने में सहूलियत हो और जीवन की चुनौतियों को सामना करने का बल भी उन्हें मिले। इसी कड़ी में प्रेमचंद अंतर विषयक व्याख्यान माला, जिसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं, पाणिनी व्याख्यान माला जिसके अंतर्गत हम भाषा चिंतन, भाषा विज्ञान पर केंद्रित व्याख्यान दिलवाते हैं, सुनते हैं, और अब टैगोर व्याख्यान माला जिसके केंद्र में विश्व साहित्य, भारतीय साहित्य, इंडोलॉजी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के बाहर हमें जिन 2-3 वजहों से जाना जाता है उसमें से एक टैगोर भी है। अगर हम भारत से बाहर हैं और हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो लिटरेरी जो डोमेन है उसमें हमसे कहा जाता, अच्छा टैगोर यानी इंडिया, इंडिया यानी टैगोर। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि सब कंटिनेंट, साउथ एशिया की पहचान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आज भी हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम वरिष्ठ कवियों, लेखकों और प्रोफेसरों को आमंत्रित करेंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत हमने माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय मैडम से करवानी चाहिए।
हमने इनसे आग्रह किया और इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। इसके लिए हिंदी विभाग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय आपका मैडम हमेशा कृतज्ञ रहेगा, आभारी रहेगा। अब मैं विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिंद गांगुली जी से निवेदन करूंगा कि वो मैडम को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। इस व्याख्यान और आज के व्याख्यान की अध्यक्षता कला संकाय प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर तनुजा मजुमदार मैडम करेंगी, जो एक दूसरी मीटिंग में है और थोड़ी देर में हमारे बीच होंगी। तब तक हम मैडम का विधिवत परिचय देने के लिए विभाग के शोधार्थी कार्तिक को आमंत्रित करता हूँ। शामदीन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें वो हमारे विभाग को एक ऐसे कलम शिल्पी, एक ऐसे कलमकार का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो न सिर्फ अध्यापिका के रूप में हमें वो हमारी अध्यापिका के रूप में अपितु हिंदी बांग्ला साहित्य के मध्य सृजन सेतु के रूप में हमें वो हमारी भाषा को समृद्ध कर रही हैं। हम तहे दिल से माननीय सोमा मैम, साथ ही कुलपति मैम का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सोमा मैम आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी इस गोष्ठी की औपचारिकता हेतु मैं आपके समक्ष सोमा मैम का औपचारिक परिचय देने हेतु प्रस्तुत हूँ। सोमा मैम वर्तमान में वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कुलपति पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही इन्हें हम पूर्व निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कलकत्ता, पूर्व कुल सचिव कलकत्ता विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय आदि पदों पर गरिमामय उपस्थिति के रूप में हम पाते हैं। साहित्यिक गतिविधियों में हम इनके व्यक्तित्व एवं चिंतन के विस्तार को और भी मजबूत रूप में पाते हैं। इनकी अब तक 22 पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त कहानियाँ, लेख, साक्षात्कार और अन्य विधा की कई रचनाएं राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और इसी के समानांतर हम इन्हें विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी सक्रिय रूप से वक्तव्य व आलेख पाठ आदि की भूमिका में देखते आए हैं। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। रेणु एवं ताराशंकर वंचितों के कथाकार या आलोचना विधा की पुस्तक है, मीरा के लिए दूसरी पुस्तक, सुनील गंगोपाध्याय की चुनिंदा कविताएं अनुदित कविताओं का संकलन है, गठनवाद, उत्तर गठनवाद एवं प्राचीन काव्य तत्व उर्दू से बांग्ला अनुदित यह पुस्तक है, पूर्व की अपूर्व दस्तकें और अभी अभी जिस कविता संग्रह या जिस पुस्तक का जिक्र सर के द्वारा हुआ, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के इस चिन्मय स्वरूप को आगे बढ़ाने व उन्हें संस्कारित करने हेतु इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। अनुवाद के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु इन्हें वर्ष 2013 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2013 में ही प्रयाग साहित्य सम्मेलन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2014 में भी इन्हें मीरा स्मृति संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु सन्मार्ग द्वारा अपराजिता सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा इन्होंने एक यात्रा भी की है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रायोजित लेखकों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में चीन और दक्षिण अफ्रीका का दौरा। हमारे साहित्य के प्रबल हस्ताक्षर कथाकार, समीक्षक, आलोचक प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल, आप सब उस नाम से परिचित हैं, उन्होंने सोमा मैम के बारे में पूर्व की अपूर्व दस्तकें पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर लिखा है,
सोमा बंदोपाध्याय ने बांग्ला उड़िया भाषाओं की कालजयी कृतियों को हिंदी के साहित्यिक दर्पण में जिस ढंग से परखा है वह भारतीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के बुद्धदेव बसु के सपने को पूरा करता है। इसलिए यह निष्कर्ष लेना ज़्यादा संगत होगा कि भारतीय भाषाओं के सृजन का तुलनात्मक विमर्श भारतीय भाषाओं में ही बेहतर होगा, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में आते ही वह विसंधिकारी विभेद के जाल में फंसकर अल्पायु प्राप्त करते हैं। पूर्व की अपूर्व दस्तकें सुनकर हम भारतीय भाषाओं के दिशातीत सोपानों के की हलचल को देख पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी इस परिचय मैम के परिचय पक्ष को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा आप सुने होंगे, एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होता है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस माँ को पता होती है जिसने 9 महीने पहले बच्चे जन्म दिए हो। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जिसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिसे कल फांसी होने वाली हो या लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होता है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी अभी अभी ट्रेन छूटी। और अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, एक गुरु की कीमत उसे पता होती है जिसके पास गुरु ना हो। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सोमा मैम जैसी विदुषी गुरु माता जी हैं। आपकी उपस्थिति मैम हमारी वैचारिक ऊर्जा को और भी दृढ़ और नवोन्मेषी बनाएगी। इसी आशा और इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं मैम का पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः इन्हें अपने विभाग में अपने परिवार में जुड़ने के लिए इनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से परिचय को तैयार किया। शुरू कर। अब मैं डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय मैडम से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का अपना व्याख्यान दें। मैडम विभाग अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई समान अनिंद जी, मेरे और एक अनुज प्रिय ऋषि, ये मेरे इतने प्रिय हैं और इतने छोटे हैं मुझसे कि मुझे आदरणीय श्रद्धे और इस तरह की जो है संबोधन का करते हुए थोड़ा सा अटपटा ही लग रहा है। मेरे छोटे भाई है दोनों, इसलिए उसी तरह से संबोधित करने में मुझे खुशी हो रही है। और यहाँ उपस्थित मेरे बहुत से प्रिय छात्र और अध्यापक, मेरे एमफिल पीएचडी के विद्यार्थी और प्रेसिडेंसी के तथा मेरे बहुत प्रिय बहुत करीबी मेरे विद्यार्थीगण, आप सबको सादर स्नेही कहूँगी, नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो मेरा गुरुजन है यहाँ, इसलिए नमस्कार शब्द का जो है मैं बहिष्कार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिसने अभी अभी मेरा विस्तार पूर्वक परिचय करवाया आप लोगों से, यानी कि कार्तिक राय, वो मेरे सामने आकर बैठे। छुप क्यों गए? मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। और मैंने कहा मेरे सामने आकर बैठो और पीछे चला जाए। जिसने इतने विस्तार पूर्वक और इतने अच्छे तरह से आपसे मेरा परिचय करवाया, जो कि मुझे भी शायद पता नहीं था या मैं भूल चुकी थी, तो निस्संदेह उसका
उसका चेहरा मेरे लिए प्रेरणा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके सामने बैठो, क्योंकि आप ही मेरे प्रेरणा के स्रोत हो, मेरे विद्यार्थी। शायद कोई आए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी प्रेसिडेंसी के हिंदी विभाग को, क्योंकि अभी अभी मुझे ऋषि जी ने बताया कि कितने प्रकार के व्याख्यान मालाओं की शुरुआत हो चुकी है और शायद होने वाली है। तो निस्संदेह मुझे लगता है कि ये दूसरे विश्वविद्यालय या कॉलेजों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी, एक दृष्टांत स्थापित करेगी, और सिर्फ कक्षा लेने तक जो है सीमित रहने वाले जो विश्वविद्यालय या विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, मैं आशा करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम वे भी कर पाएंगे। और जो लोग यहाँ हैं दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों से, वे भी इसे एक अनुप्रेरणा के रूप में लेंगे। साधुवाद इसलिए भी देना चाहूंगी कि अनुभव और कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हो? छः वर्ष दोनों को 6 वर्ष हुए। दूसरे विश्वविद्यालय की तुलना में अभी मैं कहूँगी कि मेरे दोनों अनुज समान मेरे कलीग्स जो यहाँ उपस्थित है वो अनुभव में शायद कम ही होंगे, छोटे होंगे। स्वागत है मैडम, आइए। अब तक मैं कह रही थी कि मैं जिन्हें नमस्कार करूं, मैं जिनका सादर नमस्कार संबोधन करूं, ऐसा कोई अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन अब वो कमी पूरी हो गई। मेरी बहुत प्रिय दीदी और मेरे लिए प्रेरणा के एक स्रोत सदैव से रही हैं तनुजा दी, अभी इस कक्षा में आ चुकी हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद और साधुवाद का पर तो बाद में भी मैं जो है इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अभी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ, यानी कि रविंद्रनाथ पर कुछ बोलने के लिए, तो सबसे पहले एक छोटी सी कविता से शुरुआत करूंगी। कविता मूल बांग्ला में, दो लाइन पहले मैं कहूंगी। बहुदिन धरे बहु देश घुरे देखिए गियाछी पर्वत माला देखिते गियाछी सिंधु। अब मैं इसमें हिंदी का अनुवाद जो मैंने खुद ही किया है वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत दिन हुए बहुत देश घूमे देखने गया मैं पर्वतमाला देखने गया मैं सिंधु। देखा नहीं पर नैन भर के 2 कदम घर से चल के धान एक धान के शीश पर एक शिशिर का बिंदु। इस कविता का अर्थ ये है कि हम बहुत देश घूमते हैं, बहुत दूर जाकर कई कई चीज़ों को तलाशते हैं, अपने अनुभव को बढ़ाते हैं, लेकिन घर के पास ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम कभी नैन भर कर नहीं देखते हैं। मैं इसकी तुलना इस समय इस भारतवर्ष में कहीं या फिर बाहर मैं उस परिस्थिति से करूँगी जहाँ हम या तो अपने यहाँ जो साहित्य लिखा जा रहा है या फिर विदेशी साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन पास के ही पड़ोसी राज्य में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सोच रहे हैं वे इस वक्त, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा पानी जो है ध्यान नहीं देते। इसका वजह क्या है? वजह यह है कि शायद हम जानना ही नहीं चाहते, या शायद हम सोचते कि हमको सब कुछ आता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जिन कवि के बारे में आज मैं बातचीत करने वाली हूँ वो ऐसा नहीं समझते थे।
क्यों कर रही हूँ सबसे पहले उसका कोई परिचय उनका ना देकर, इसका एक वजह यह है कि जब इस कार्यक्रम का फेसबुक पर आपके आदरणीय शिक्षक गण ने एक फेसबुक पोस्ट किया था, उसमें मुझे किसी सज्जन, शायद आपने भी देखा होगा ऋषि, किसी गुणी व्यक्ति, मैं कहूँगी जरूर वो बहुत गुणी होंगे, बहुत जानकार व्यक्ति होंगे, उन्होंने लिखा है यार क्या वजह है कि यही रविंद्रनाथ पर आप लोग जो है बातचीत करते रहते हैं, या फिर क्या ये मजबूरी है क्या बंगाल के हिंदी विभाग की? मुझे आपत्ति इस बात पर नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, ठीक है ये हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो जनतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी अपनी बात को रख सकता है, अपने मत को दर्शा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत कम जानकारी रखते हैं वो, खासकर कवि और साहित्यकारों के बारे में। रविंद्रनाथ कभी भी किसी एक प्रदेश के कवि नहीं थे, उनका नाम में ही आप देखिए विश्व कवि लगाया जाता है, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसे उपाधि उनको प्रदान की गई है। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने भी उनको नाइट उपाधि दी थी, किस लिए? क्योंकि उन्होंने स्थान काल सीमा, इसकी जो रेखा है, सीमा रेखा है, इसको वो पार कर गए थे। और यही बात आप उस हर साहित्यकार या कवि या लेखक के बारे में कह सकते हैं जो अपनी सीमा में कभी कैद नहीं थे। मसलन दो चार नाम मैं अभी ले सकती हूँ, हिंदी के ही लीजिए प्रेमचंद को। प्रेमचंद को क्या आप किसी एक स्थान विशेष या काल या समय की परिधि में आप उसको जो है कैद कर रख सकते हो? नहीं। प्रेमचंद की कहानियों पर फिल्में बनी, बनाया किसने? बंगाल के दो बहुत नामी नामचीन निदेशकों ने। फिल्में दिखाई गई कहाँ? सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर ऐसे दूर दूर प्रदेशों में जो बहुत पिछड़े भी माने जाते हैं, जैसे अफ्रीका के केनिया। और हैरान हो जाएंगे कि जब उन लोगों ने उस देश की भाषा में डब्ड इस फिल्म को देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमारी कहानी है। और यहीं पर प्रेमचंद, रविंद्रनाथ, टॉलस्टॉय, चार्ल्स डिकेंस या फिर सुब्रमण्यम भारती, ये सब एक मेल हो जाते हैं। जब आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हो, एक बांग्ला भाषी अनुदित कहानी को ही पढ़ता है समझ लीजिए, तो पढ़ते पढ़ते उसको लगता है कि अरे ये तो उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी नहीं है, किसी किसान के दर्द और उसके सपने टूटने और देखने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो बंगाल के ही किसी गांव की कहानी है, ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये जो उस दूसरों के दर्द को खुद समझ पाना, यही हमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से मिला देता है जिससे हम कभी अपरिचित थे, जिससे कभी शायद मिलना ही ना हुआ। मैं आपको दो ऐसे लेखकों के बारे में बताती हूँ जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, रेणु और ताराशंकर। केवल पत्राचार हुआ था, लेकिन अगर आप उन दोनों के कहानियों को, उपन्यासों को पास पास रखकर पैरेलल स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे इतना तादात्म्य कैसे, इतना सादृश्य कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों कभी मिले थे आपस में? क्या एक दूसरे से बातचीत की थी? उसी तरह प्रेमचंद और शरद चंद्र के पात्रों को भी देखते हैं तो लगता है न जाने कितने परिचित है ये हमारे। तो इसीलिए, और रविंद्रनाथ तो इस सब के बाहर है, इसलिए मैं बाहर बोल रही हूँ, जरा सा भी पूर्वाग्रह ना होते हुए, क्योंकि रविंद्रनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो न केवल कवि थे, वो कवि थे, वो कहानीकार थे, वो नाट्यकार थे, वो निबंधकार थे, वो गीति नाट्य उन्होंने लिखा था और उपन्यास तो लिखा ही था, और कितने कितने, मैं आपको उसका जस्ट एक छोटा सा जो है जिस मैं आपको सुनाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल में इतनी रचनाएं
एक साथ कैसे लिख सकता है। जिस ऊर्जा की बात आप कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैं इन शब्दों के पता नहीं योग्य हूँ भी या नहीं, लेकिन हाँ अगर ऊर्जा किसी में देखना है तो रविंद्रनाथ में देखिए। अकेला 52 कविता संग्रह, आप कल्पना कर सकते हैं 52 52 कविता संग्रह और लगभग 10,000 कविताएं एक जीवन में, सब कुछ लेकिन एक जीवन में। उसके बाद कहानियां गल्पगुच्छ नाम से जो है 3 खंडों में संग्रहित उनकी कहानियां, 84 कहानियां, इसके बाहर भी और कहानियां थी 95। नाटक 38, गीति नाट्य 14, काव्य नाट्य 1। आप लोगों ने काव्य नाट्य जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? धारणा है ना कि काव्य नाट्य किसको कहते हैं, कोई एक उदाहरण दो तो। संशय की एक रात, नहीं और बताइए भारती जी की, अंधा ही हूँ, बहुत अच्छी बात है। एक कंठ विष पाई, एक काव्य नाट्य है, उनकी चित्रांगदा बहुत मशहूर काव्य नाट्य। इसी तरह से निबंध, 5 निबंध संग्रह हैं जिनमें अनगिनत निबंध हैं। यात्रा वृत्तांत 4 संग्रह हैं। और बहुत अच्छे अभिनेता थे, एक बेहतरीन दार्शनिक थे, एक संगीतकार थे, उन्होंने जो है स्वरबद्ध किया सिर्फ अपने ही गीतों को नहीं, और भी कई बड़े लेखक थे। आप जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये वंदे मातरम इसका सुर किसने दिया था, इसे लयबद्ध किसने किया था, टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और सिर्फ यही नहीं, दो दो देशों के राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा, एक जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश के अमर सोनार बांग्ला। और कभी कभी लगता है कि एक समय गांधी जी ने स्वयं इनके बारे में कहा था, इनको गुरुदेव का गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दिया था, और कहा था कि एक समय शायद लोग विश्वास ही नहीं करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति एक जीवन काल में इतनी रचनाएं कैसे रच सकता है। जब कहानियों की बात आती है, बेहतरीन कथाकार थे वो, और उनकी कहानियों पर न केवल नाट्य मंचन हुआ है बल्कि सिनेमा भी जो है, सिनेमा का निर्देशन हुआ है। तो उन्होंने एक बार अपनी भतीजी इंदिरा देवी को एक पत्र में लिखा, एक चिट्ठी में लिखा कहानियों पर। आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था, और हर तरह से उनका परिवार जो न केवल समृद्ध था बल्कि शिक्षित भी, बहुत उच्च शिक्षित परिवार था। परिवार के सभी सदस्यगण गुणवान, शिक्षा पाई थी, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी जो है वो घर में रहते हुए भी शिक्षा प्राप्त करती थी। और अपने समय की स्त्रियों से ठाकुरबाड़ी की स्त्रियाँ थोड़ी आगे ही थी, आधुनिक थी, आधुनिक विचारों की थी। ये जो आपको एक बात, मजेदार बात बताऊँ, ये जो पल्लू वाली साड़ी मैंने पहनी है, हमारी दीदी ने पहनी है, इसका प्रचलन उनके भाभी ने किया था, और मैडम तो खुद ही विश्व भारती से पढ़ी हुई हैं तो ये बेहतर और जानेंगी। तो कहानियों में, और वो थे क्योंकि जमींदार परिवार के, उनकी जो है काफ़ी जमींदारी यानी जमीन जायदाद जो है पूरे बांग्लादेश में या और कुछ कुछ जो है हमारे पश्चिम बंग में भी फैला हुआ था। तो वो सिलाई दह बोलकर एक जगह थी बांग्लादेश में, पद्मा नदी के किनारे, तो वो वहाँ पर उनकी जमीन थी। तो वो वहाँ पर एक बार घूमने गए थे, और वहाँ बैठकर, नाव में बैठकर वो एक पत्र लिखते हैं अपनी भतीजी इंदिरा देवी को कि इंदिरा, ये जो कहानियाँ हैं ना, ये तुमने एक बार पूछा था मुझसे कि ये कहानियाँ कैसे आप रचते हैं, कैसे इनके बारे में हम सोचते हैं, किस तरह से मतलब कहानियों का सृजन आप करते हैं। तो मैं तुम्हें आज बताता हूँ, मैं भी सोच रहा था कि आज सवेरे से एक कहानी मैं लिखने बैठा, तो ये सारे पात्र जो चरित्र जो मैंने गढ़े हैं, जो मैंने अपने मन में सोचा है, धीरे धीरे वो बड़े छोटे से बड़े हो रहे हैं, ये सारे पात्र जो है मेरे दिन और रात को इतना व्यस्त रख रहे हैं, इतना व्यस्त रख रहे हैं कि मुझे कुछ और सोचने का समय नहीं मिल रहा है। मुझे कोई समस्या, क्या मेरे घरेलू समस्या, क्या मेरे जमींदारी में जो समस्या है, मुझे कुछ सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है, इतना ये मुझे व्यस्त रखते हैं। देखो ना, आज सवेरे से ही मैंने एक छोटे से चरित्र को जो है, एक बच्ची, उसको मैंने गढ़ा है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है।
बादल और धूप, या शायद धूप और बादल ज़्यादा प्रासंगिक लगता है, धूप और बादल। वैसे भी धूप और बादल का कभी क्या मिलन होता है? धूप और बादल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। धूप का मतलब जीवन में कुछ पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मक चीज़ें जब घटित होती है तो कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी धूप से खिल उठी है। और जब कभी नेगेटिविटी, अंधकार में जीवन हो जाता है, कई विषम परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे जीवन को बादलों ने ढक दिया है। एक कहानी भी है बादलों के घेरे, आपने पढ़ी होगी कृष्णा सोमते की, उसमें भी ऐसे ही मानसिक अवस्था के नायिका की मानसिक अवस्था का वर्णन हुआ था। तो यहाँ बादल और धूप में, धूप थी वो छोटी सी लड़की गिरीवाला, जो बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और एक ज़मींदार परिवार में, और उसके पास ही जो उनके पड़ोसी रहते थे, वो पड़ोसी उनका बेटा था शशिकांत। शशिकांत काफ़ी विद्वान था, एमए पास करके वो वकालत पढ़ने चला जाता है। वकालत पढ़ के जब वो लौटता है तो गिरीवाला तब 12 साल की उम्र होती है, तो और वो लगभग 24 यानी उससे काफ़ी बड़ा। लेकिन दोनों में अनमेल उम्र की इस अनमेलता के कारण बदौलत उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। और वो मित्रता कैसी थी कि शशिकांत जो उस गांव में एकमात्र ऐसा था जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो क्या करता है, वो गिरीवाला को पढ़ना सिखाता है और उसे अंग्रेजी और बांग्ला का ज्ञान होता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ किताबें भी वो पढ़वाता है उससे। और उसके बाद जो है, शशिकांत को ये आदत थी कि वो किसी को भी देखता था कि किसी के प्रति कोई अन्याय हो रहा है, और ये कहानी उस समय लिखी गई, आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ का जन्म नवजागरणकालीन युग में हुआ था, तो उनके कहानी और उपन्यासों में उस कालखंड का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन है। उस समय की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर आई है। तो शशिकांत जो है वो हमेशा लोगों का उपकार करने चला जाता था, कहीं भी अन्याय होता देखता और ख़ासकर अंग्रेजों के विरुद्ध वो तुरंत मुकदमा करने के लिए उन पर जोर देता। और वो गाँव के भोले भाले किसान, या हो सकता है कि कोई मछुआरे, या इस तरह के जो पेशे में ग्रामीण जो पेशे में जो वो जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को वो न्याय दिलवाने के लिए वो हमेशा इस बात पर जोर देता था कि तुम इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। यानी रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि अन्याय का प्रतिवाद होना चाहिए। तो ये काम जो है उनका, ये पात्र शशिकांत करता है। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता था कि अधिकतर लोग जो है वो प्रतिवाद करना नहीं चाहते थे, और उनको डर लगता था कि ये जो शशिकांत ने जो हमारे लिए ये आवाज़ उठाई है अंग्रेजों के विरुद्ध, इससे क्या होगा कि हम जो है वो विपदा में आ जाएंगे, हम पर आफत आ जाएगी। तो वो लोग आखिर में शशिकांत को ही दोष देते थे, और इस तरह से शशिकांत जो है एक ऐसे घटना में 5 साल के लिए उसका कारावास हो जाता है। और इसी बीच गिरीवाला जो है उसका विवाह कर दिया जाता है और वो कहीं चली जाती है। 5 साल बाद जब वो कारावास खत्म करके निकलता है तो देखता है परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, जिन लोगों के लिए उसने इतनी लड़ाइयाँ की थी वो कहीं नज़र नहीं आ गए थे, खासकर गिरीवाला के पिताजी ने ही जो है उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया था। आखिर का जो अंतिम जो दृश्य है उसमें लेकिन एक अद्भुत बात दिखाई गई है कि एक जब वो कारागार से निकलकर इधर उधर ढूंढते हुए एक अनजान गंतव्य स्थल की ओर जा रहा था, उसे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, ऐसे में उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी आकर सामने उसके रुक गई और कहते हैं कि आपको जो है हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है महल में ले जाने के लिए। और उस समय क्योंकि उसके पीछे फिर से जो है पुलिस पड़ जाती है तो वो चला जाता है। जब वो गाड़ी से उतरकर महल में दाखिल होता है देखता है कि सामने ही गिरीवाला खड़ी थी, लेकिन विधवा के पोशाक में, यानी गिरीवाला उस समय विधवा हो चुकी थी। और उम्र कितनी होगी, 17 साल की, क्योंकि 5 साल के कारावास के बाद की कहानी दिखाई जाती है। तो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। वो कहती है शोषी दादा तुम्हें यशस्व, यानी अंतिम दृश्य ये कहता है कि शशिकांत वही जाता है, उसने तो इतने सारे लोगों का उपकार किया था और एक स्त्री को शिक्षा दिलाई थी। आखिरकार सारे सामाजिक जो आप जानते हैं कि जो अनुबंध है स्त्रियों पर
उन सबको हटा कर, लेकिन वो ये साहस दिखाती है कि वो शशिकांत को अपने घर पर बुलाती है, किसी सामाजिक जो है बंधन या जो सामाजिक मान्यताओं को नकार देती है। तो ये साहस उसमें दिखाया। तो वो बार बार जब स्त्रियों की बात आती है, ये जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं और इतना जो है मैं कहूँगी तुमूल कोलाहल इस बात को लेकर आजकल हो रहा है और स्त्री विमर्श के इस युग में अगर शुरुआत देखें तो हम कहेंगे रविंद्रनाथ ने ये शुरुआत की थी एक तरह से कहा जा सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी दिखाया था कि स्त्री अकेला प्रतिवाद नहीं कर सकती, अकेला विद्रोह नहीं कर सकती, उसका साथ पुरुषों को भी देना होगा। इस बात को उन्होंने बार बार जो है इसकी चर्चा की थी। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो लैंडमार्क कहानियाँ कही जा सकती हैं। और ये जो मैंने भी कहा कि फेसबुक में जो पोस्ट है उस पर मैं वापस लौटती हूँ, मैंने बात इसलिए शुरू की थी कि रविंद्रनाथ को आखिर हम पढ़े क्यों, क्यों पढ़े। सच ही तो है कि एक रविंद्रनाथ के बिना बंगाल में क्या, मतलब रविंद्रनाथ के इसी तरह से शायद कोई पोस्ट, पता नहीं ऋषि ने पढ़ा है कि नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या ये रविंद्रनाथ मजबूरी है बंगाल की मजबूरी है। तो मैं कहूँ कि ये मजबूरी, अगर ये मजबूरी है शब्द, तो ये सबकी मजबूरी है कि वो रविंद्रनाथ को पढ़े, क्योंकि बिना रविंद्रनाथ को पढ़े हम साहित्य, हम किसी भी भाषा के साहित्य को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। क्योंकि रविंद्रनाथ के साहित्य में केवल एक कविता ही ले लें तो आप उन कविताओं में देखोगे कि आज की समस्याएं, समस्याओं का बीज उसमें निहित है और उसका समाधान कैसा होना चाहिए इतने वर्षों पहले, लेकिन उस और भी वो इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। मैं सिर्फ यही नहीं, एक विषम परिस्थितियों में का जब एक व्यक्ति सम्मुखीन होता है तो किस तरह से इन परिस्थितियों को पार कर जाता है केवल मात्र कविता के सहारे। आप जानते हैं कि कविता में कितनी शक्ति है, आप क्योंकि साहित्य के छात्र छात्राएं हो आप जानते हो कि साहित्य हमें आखिर क्या देती है। केवल एक डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूर आप प्रेसिडेंसी में सिंधी विभाग में नहीं आए होंगे, उससे बेहतर कुछ बनने के लिए, कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप आए होंगे। तो क्या है वो, ये है कि कविता से हमें वो शक्ति मिलती है, पूरे साहित्य से तो है ही, लेकिन कविता खासकर हमें उन विषम परिस्थितियों में उस आलोक की ओर, आलोक या दिशा दिखाती है कि जिस ओर जाने से हम इस सारे उहापोह से मुक्ति पाएंगे और रास्ता ढूंढ लेंगे। और वो मुक्ति किस में है, मानवता के पुजारी रविंद्रनाथ ने कहा था कि ईश्वर नहीं बल्कि हमें मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं एक बहुत विख्यात कविता है, सवार उपरे मनुष्य तो तहार उपरे नारी, अर्थात सबसे ऊपर जो है मनुष्य ही वही सत्य है, उससे ऊपर अब कोई सत्य नहीं है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो मनुष्य मानवता के पुजारी केवल रविंद्रनाथ तो नहीं थे, उन सारे साहित्यकार, बड़े साहित्यकारों का अगर आप नाम लोगे तो देखना उन सब ने जो है मानवता की पूजा की है, आखिरकार मनुष्यत्व को ही जो है प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। कब एक व्यक्ति, एक आदमी इंसान बनता है या मनुष्य बनता है, उसके उसमें वो सारी विशेषताएं कब आती है, इसी का लेखा जोखा है हमारे प्रेमचंद की कहानियां कहिए या फिर रविंद्रनाथ की कहानियां। रविंद्रनाथ की कहानियों के माध्यम से लगातार अंधविश्वास, धर्मांधता जिसको कहते हैं, सांप्रदायिकता और इन सारी जो है रूढ़ियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। एक कहानी है, छोटी सी कहानी, गुप्त धर्म। कहानी को जब आप पढ़ोगे, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने गुप्त धर्म का अनुवाद किया और आपको, आपने भी पूछा ना कि क्या रविंद्रनाथ की प्रासंगिकता है। रविंद्रनाथ की प्रासंगिकता अगर नहीं होती तो amazon.com, इन्होंने ही मुझसे ये अनुवाद करवाया है, ये जो है रेडियो पर ये कहानी जो है, इस कहानी की पाठ की जाएगी और सीडीज में जो है ये मिलेगा आपको, amazon.com से ही ये सीडीज खरीदी जा सकती है। और उसमें उन सारी कहानियों का चयन किया गया है जो कहानियाँ थोड़ी सस्पेंस या हो सकता है कि उसमें कुछ अलौकिक तत्व की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं आपको। तो गुप्त धर्म ऐसी कहानी है जिसमें लगता है कि बहुत ये सस्पेंस की कहानी है। गुप्त धर्म में एक परिवार जो कई, मतलब जो है वर्षों से लगातार एक चिट्ठी, एक छोटे से जो है कागज़ पे एक पहेली लिखी हुई थी, उस पहेली को आधार बनाकर वो गुप्त धन की तलाश में लगे होते हैं। यानी इस परिवार में, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम वो लोग
कर रहे थे, लेकिन एक बार क्या होता है कि वो छोटी सी जो मतलब कागज़ का जो गुड़िया थी जिसमें वो नाम वो पहले लिखी हुई थी वो गायब हो जाता है। और इस समय परिवार का जो कर्ता था यानी कि जो सबसे बड़ा सदस्य था वो अपनी पत्नी को अपने बच्चों को छोड़कर वो कहाँ पहली गुम हो गई है, पहली उसको याद थी, पहली को जो है हल करके उस गुप्तधन की तलाश में निकल पड़ता है। उससे पहले उसके चाचा जी भी निकल गए थे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ी जो है एक गुप्तधन जो कि वास्तव में है या नहीं ये नहीं पता। आप सोचिए कितने वर्षों पहले, मेरी रोंगटे खड़ी हो जाती है, इतने वर्षों पहले ये कहानी लिखी गई थी। जो चीज़ है नहीं उसकी तलाश में हम निकल जाते हैं, उसके लिए हम पागल हो जाते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, उसके उसका मूल्य हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। वो जब जाता है वहाँ पर। अच्छा, मुझे समय क्या हो रहा है ये थोड़ा सा बता देना, क्योंकि रविंद्रनाथ का मतलब मूल्यांकन करना ये तो दूर की बात है। रविंद्रनाथ पर कुछ बोलने का अर्थ होता है जैसे कि पूरे समुद्र को एक अंजूरी में भरने की कोशिश करना। तो उसमें से मैंने एक 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 बूंद करके अगर मैं ये करूँ तो भी शायद मैं जोड़ नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मुझे एक बार थोड़ा बोल देना। अब मुझे लगता है मैं थोड़ा बैठ कर बोलूँ। समय को ध्यान नहीं दूंगी। उसके बाद फिर वो जो है थोड़ी देर उसके उसमें रहता है।
शुरू की थी, फिर वहाँ से दोपहर दोपहर से शाम शाम से रात हो जाती है और कोई आवाज़ उसे वापस नहीं बुलाती। उसके बाद रात भर वो वहीं पर सोने के बीच में, ये आपका ये देखिए सटायर देखिए, सोने के बीच में वो सोता रहता है। इतना सोना, पृथ्वी का शायद सबसे धनवान व्यक्ति, लेकिन वो आज सबसे दरिद्र नहीं था, क्योंकि उसके बाद खाने को अन्न नहीं था और पीने को पानी नहीं। यानी अगर पृथ्वी में बहुत धन, अगर धन कुछ है तो वो असल में ये अन्न है, पानी है, ये वायु है, और वो जो हमारे अपने हैं, जो हमारे लिए हमेशा घर में हमारे इंतजार में समय काटते हैं। उसके बाद वो सवेरे उठकर बोलता है कि क्या सन्यासी अभी हो, बोलता है हाँ मैं, कहता है मुझे वापस ले चलो, और वो वापस लौट जाता है। तो ये है सभी गुप्त धन की कहानी। तो आप देखिए कि जो एक पहल में लिखा हुआ और ये सारा, और जो सन्यासी गाना और इस तरह से, ये सारी चीज़ों के माध्यम से रविंद्र आपने क्या समझाना चाहता है कि दरअसल कोई मतलब धर्म या कोई किसी तरह का विश्वास वो तुम्हारे अंदर जब तक है ठीक है, लेकिन जब तुम उसके सहारे कुछ और पाना चाह रहे हो और वो चीज़ जो कि तुम्हारे लालसा को और बढ़ाती है, तब उसका दरअसल में वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता इस पृथ्वी पर नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ऐसे में तो बहुत मामूली है, लेकिन है अमूल्य। तो ये कहानी है जी, एकदम इतने वर्षों बाद भी अगर हम आप देखते हैं, आप देखिए जरा जरा सी चीज़ की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। दीदी नाम वो, उसमें जो पुरुष पात्र है मुख्य चरित्र, वो अपनी स्त्री को 18 वर्ष तक जो है केवल किसी जो है कामना के साथ वो दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करता है कि एक ना एक दिन ससुर जी के पूरा जो है संपत्ति को उसका मैं दावेदार बनाऊंगा। सर इसके लिए वो इंतजार करता है, और ससुर की मृत्यु के बाद क्योंकि उसका जो उसकी जो संपत्ति है वो उसके बेटे को मिलने वाली थी, तो वो उसके बेटे को हत्या करने की सोचता है। पत्नी क्या करती है कि अपने भाई को एक सुरक्षित जगह पर रख कर आती है, और इसके बाद जो है एक दिन वो अपनी पत्नी की ही हत्या कर देता है। और आज आप अखबार उठाओगे और देखोगे तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होते हुए आपको दिखाओ। तो इस तरह की जो है सामाजिक जो वैषम्य है स्त्री और पुरुष के बीच में, जो लिंग भेद है, जो एक और कहानी मुझे याद आती है शास्त्री। शास्त्री कहानी बहुत अनोखी है। स्त्री और पुरुष की जो संबंधों की जो जटिलता है, जो संबंध पृथ्वी पर शायद सबसे मधुर संबंध के रूप में जाना जाता है, जब उसके भीतर इस तरह की ईर्ष्या, संदेह, लोभ, लालसा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो संबंध बिखेर कर रह जाते हैं। इस विषय पर आज भी कहानी लिखी जा रही है, लेकिन वो कहानी एक माइलस्टोन है, एक कहानी है। शास्त्री में दो भाई होते हैं, बड़ा भाई, दोनों भाई मजदूरी करते थे। बड़ा भाई जो है एक बार वापस आता है जमींदार से गाली वाली खाकर, और आकर अपनी पत्नी पर वो गुस्सा, बहुत गुस्से था वो। और घर पर जो है दोनों की पत्नियां थी, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, मित्रता थी, ऐसा तो था नहीं भाभियों में, लेकिन फिर भी वो लोग निर्वाह कर रहे थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे। लेकिन उस दिन पैसों की कमी थी। जब बड़ा भाई आता है, आकर देखता है कि घर में खाना नहीं बना, भात नहीं बना, तो वो क्या करता है, एक दाव लेता है, दाव लेकर गुस्से में अपनी पत्नी की गले पर पटाख से मार देता है, पत्नी वहीं मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा भाई छिदाम आता है, आते ही वो देखता है कि भाई ने ये काम, बड़े भैया ने ये काम कर दिया। तो ये देखते ही उसको लगता है कि मेरा भाई, अगर भाई चला जाएगा जेल में तो मुझे दूसरा भाई नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी अगर जाएगी तो दूसरी पत्नी फिर से मिल सकती। ऐसा स्वार्थ की सोच उसके मन में आता है, और क्योंकि तब तक पुलिस आ चुकी थी, तो जब बिना कुछ सोचे कह देता कि नहीं नहीं मेरे भाई ने यह हत्या कदापि नहीं की, ये तो मेरे पत्नी ने की, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ उसके जो है मतलब भाभी जी की गलती हुई मेरे बात। तो पत्नी जो है वो अवाक रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का इल्ज़ाम मेरा ही पति मुझ पर लगाएगा। भाई बहुत प्रिय है, बड़ा प्रिय भाई, लेकिन मैं क्या इतनी अप्रिय थी। और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती, और वो जो उसके घर से लेकर कोतवाली तक जब उसको ले जा रहे थे हाथ में हथकड़ी पहना कर, वो जो लज्जा, भय, शर्म, इन सारी चीज़ों से वो जो मरी जा रही थी उसे वो भूल नहीं पाती। जब उसे कारागार में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसका पति बार बार उससे मिलना चाहता है और कहता है कि देखो उस समय मैंने ऐसे कह दिया था, लेकिन अब
तुम अपना बयान बदल दो तो कुछ हो सकता है। मैं किसी भी तरह से केस बेचकर कुछ भी करके एक वकील मैं किसी तरह से मैं ले आ सकता हूँ जो कि तुम्हारे लिए ये लड़ेगा। लेकिन वो अपने पति से एक बार भी नहीं मिलती। अंतिम दिन में उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और जब अंतिम दिन अंतिम रात्रि जो जब दूसरे दिन उसको फांसी देने वाली थे तो उस समय उसका पति बाहर आता है तो कहते हैं मुझे मेरे आखिरी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है तो मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ ये पति भी कहता है कि मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस दरोगा आता है कहता है कि आखिरी बार पति से तो मिल लो। तो मैं क्यों मिलूँ? तो पति कह रहा है कि किसी भी तरह से वो तुम्हें छुड़ाना चाहता है। तो वो काली एक शब्द कहती है उसका बंगला भाषा में बहुत महत्व है। तो यहाँ अगर बांग्ला भाषा जो लोग हैं वो समझेंगे लेकिन इसका हिंदी में भी उन्होंने अनुवाद जब किया था तो इस्तेमाल किया था। वो कहती है मोरोन ये आप समझ सकती हैं अच्छा इतना कुछ करने के बाद अब जो है तुम मुझे छुड़ाने आ रहे हो। तुमने मेरे प्रेम को नहीं समय समझा तब तुम्हें मेरा प्रेम याद नहीं आया। मोरोन मतलब सत्यनाश मतलब अरे एक शब्द में उसके हृदय उसका जो पूरा उसने जो व्यंग किया उसके हृदय में जो जो दर्द था वो पूरा का पूरा व्यक्त होकर निकलता है। असल में वो केवल उसका नाम था छिदाम उसके पति का केवल छिदाम को नहीं बोल रही थी वो असल पूरे पुरुष समाज को जो है उसने धिक्कारा था केवल उस एक शब्द का इस्तेमाल करके। ये एक बहुत रहस्यमय बात है कि इतने वर्षों पहले जबकि स्त्रियाँ पर्दानशीन थी पर्दे में ही रहती थी कई अलग बात की ठाकुर वाली की स्त्रियाँ जो है थोड़ी ज़्यादा स्वाधीन विचारों की थी लेकिन ऐसे समय में किस तरह से उन्होंने स्त्रियों के मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने जाना वो उनकी मनोविज्ञान की उनकी जो मानसिकता के इतने अच्छे ज्ञाता थे जिसे लेकर लोग जो है चटित रह जाते हैं खासकर जो लोग पर जिन्होंने जो है रिसर्च वर्क किया है वो हैरान रह जाते हैं कि कैसे उनके मन में इस तरह की बातें वो कैसे होता। तो एक स्त्री विमर्श आप कहिए अच्छा दलित जो है इतने जो है दलितों पर आज तक दलित में उस समय दलित विमर्श स्त्री विमर्श इस तरह की कुछ कोई विमर्श की बात नहीं होती थी। कहानियाँ जो लिखते थे वो मन में अनायास आ जाती थी आसपास की परिस्थितियाँ देख कर आती थी। तो ये जो दलित विमर्श की जब बात आती तो मुझे एक उनकी कविता के जो है उनकी कहानी की दो पंक्तियाँ याद होती हैं हालांकि वो मतलब कथा कहानी बोलकर काव्य भाषा में ही रचित उनकी कहानियाँ हैं वो कहानी बोलते हैं उसको कथा और कहानी लेकिन है वो कविता रचित। उसमें ये है दो बीघा जमीन इस पर बाद में एक फिल्म भी बनी थी और बलराज साहनी ने इसमें जो है अभिनय किया था। तो उसमें चार पंक्तियाँ इस तरह से है मनो मनु आप जानते हो मनु वाली किसे कहते हैं ये भी जानते हो उस पर काफी जो है पढ़े हैं। तो कहते हैं मोनु शास्त्रो राजा अस्त्र पौरी समस्त कांगाले ध्वंचु मतलब अगर इसको हिंदी में अनुवाद किया जाए मनु का शास्त्र राजा का शस्त्र मनु का शास्त्र यानी ब्राह्मण वालियों का शस्त्र और राजा का शस्त्र कौरी समस्त यानी करती है समस्त कंगालों की धनचू। आप देखिए अगर आज के उसमें देखोगे आज के समय में इस बात को अगर आप इसकी अगर आप जो है इसका मूल्यांकन करोगे तो आप देखोगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। आज क्या यही नहीं हो रहा है मतलब बाहर जो ये जो इतने सारे हमें मतलब परिस्थितियों के बारे में राजनीतिक परिस्थितियों की बात नहीं करूँगी लेकिन आप देखिए कि इसी चीज़ की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है आज शक्तिशाली कौन है और आज भी निर्धन के धन की धन मतलब क्या उसके पास जो भी है वो अगर चोरी में हो जाती है वो कोई छीन कर भी ले जाता है तो उसको कभी न्याय नहीं मिलता। दो बीघा जमीन में दो बीघा जमीन थी उसको वो भी जमींदार का प्यादा कर लेकर गया था और कोई भी नियम कोई भी कानून उसको उस चीज़ को रोक नहीं पाया था। तो वो आज भी तो ये चीज़ें हो रही किसी भी गांव में आप चले जाएंगे हालत बहुत सुधार तो आई नहीं बल्कि वो जो चार पंक्तियाँ वो तब कहकर गए थे वो आज साकार होते हुए हम देखते हैं। ठीक है और फिर अनगिनत मैं आपको जो है नाटक जो है रथ की रस्सी ये नाटक कभी अगर आपको और ये साथ जो है हमारी तनुजा दीदी के जो गाइड थे उनका नाम क्या था सोमर सर हाँ तो उन्होंने साहित्य अकादमी के लिए दो खंडों में अनुवाद किया था
नाट होगा और मैंने भी कुछ अनुवाद किया है और शायद नदी ने भी कुछ अनुवाद किया और रविनाथ बन जाता है। तो ये तो आप ये जो है इस अनुवाद अगर इस नाटक का अनुवाद अगर कहीं मिले तो आप अवश्य पढ़िएगा। तो अगर ये दलित विमर्श के बारे में अगर आपको जानना है, इसकी जड़ों को अगर आपको तलाशना है तो आप रविन्द्रनाथ को पढ़िए। तो मैं बार बार जो ये सारी चीज़ें ये जो सारे आपको उदाहरण दे रही हूँ इसीलिए कि रविन्द्रनाथ की प्रासंगिकता दरअसल क्या है, क्यों हम आगे रविन्द्रनाथ को पढ़ें और रविन्द्रनाथ के हर पक्ष को जानने में मुझे लगता है कि शायद मुझे एक एक साल तक रोज रोज आना पड़ेगा, तब भी शायद कठिन ना हो। तो ये मैं मतलब थोड़े बहुत जो है एकदम दूसरे प्रसंग में चली जाती हूँ, चित्रकला। आप सुनकर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 2500 के लगभग जो है चित्र उन्होंने बढ़ाए और उन्होंने चित्र को क्या कहा था पता है, अमर शेषेर दिलेर प्रिया। इतना सुनकर अच्छे उन्होंने कहा था शेषेर दिलेर प्रिया ने मेरे अंतिम दिनों की प्रिया है, मतलब मेरा साथ इसने निभाया है। वो उनके बहुत जब लगभग एकदम मैंने अंतिम दिनों की करीब 80 के आसपास जब उनकी उम्र हो रही थी तो मतलब 75 के बाद से उन्होंने चित्रकारी का आरंभ किया। और उसके चित्र की खास बात एक मैं आपको बताती हूँ, वो पांडुलिपि पर कभी कभी जब पसंद नहीं आती थी कोई पंक्ति कविता की, जो कविता हो या कहानी हो कोई पंक्ति पसंद नहीं आई उसको इस तरह से काटते थे कि वो अपने आप में एक आकृति धारण कर जो है आकृति धारण कर लेती थी और एक तस्वीर बन जाती थी, चित्र बन जाता था। तो और सर यही एक चित्र के प्रति उनने जो एक आकर्षण बहुत पहले से था। वो जापान के साथ जब वो जापान गए थे, इसका विवरण आपको जापान यात्री के डायरी, वो जापान गए थे कई बार और जापान के साथ चीन के साथ उनका बहुत गहरा मतलब संबंध था। आप अगर जापान चीन कभी जाएंगे तो आप देखिएगा कि चीन के लगभग हर एक प्रदेश में, मैं खुद गई थी तो 4-5 प्रदेशों में जाकर मैंने देखा उनके म्यूजियम में और किसी भारतीय का कौन ना हो लेकिन रविंद्रनाथ की जो है मूर्ति जरूर है वहाँ पर। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी उनकी मूर्ति है, ऐसे या तो हाफ फर्स्ट या फिर पूर्ण अवयव। तो अभी जब आपसे जो है मेरा परिचय करवा चाहता था तभी आपने बताया ऋषि जी ने कि रविंद्रनाथ एक ऐसे थे जिनको भारत को जानने के लिए पहले लोग रविंद्रनाथ का नाम लेते हैं, रविंद्रनाथ को जानते हैं तो उनके माध्यम से ही भारत को कई लोगों ने जाना। उसके बाद हर जब मैं करवा ये चित्रकारिता की बात मैंने आपसे आपको बताई, इस पर जो है कई लोगों ने कई किताबें लिखी, कई बार प्रदर्शनी हुई है। उनका पहला जो उनका चित्र प्रदर्शनी जहाँ पर हुआ था वो है पेरिस। कुछ फ्रेंच विद्वान और जो है चित्रकार उनको लेकर गए थे और वहीं पर उनकी जो है पिराली आर्ट गैलरी में ये सबसे पहला चित्र प्रदर्शनी वहाँ पर हुआ था 1913। तो 1913 में उसी साल उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आप लोग जानते हैं। और गीतांजलि जो है वो प्रार्थना संगीत के रूप में सॉन्ग ऑफरिंग्स, अब गीतांजलि का अनुवाद उन्होंने स्वयं किया था। तो गीतांजलि के जो पहली कविता है जिसको मतलब उनने तो असल में उन्होंने कविता जिस तरह से लिखी थी गीत भी उन्होंने इतने ही लिखे जिसको रविंद्र संगीत के नाम से जो प्रसिद्ध है और उसकी संख्या भी कम नहीं है 2232 यानी 1000 की संख्या से कुछ कम नहीं है, उसके नीचे नहीं है, सभी 1000 से ऊपर है। तो उसमें आप हमको हैरानी होती है जब हम देखते हैं कि इतने तरह के विचित्र भाव, यानी आप देखो भाषा भाव छंद हर चीज में वैचित्र विविधता। कोई एक कविता आपको दूसरी कविता में जो है दो कविताएं साथ साथ रखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई अगर हम कविताएं जो है बार बार लिखें कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह के भाव दूसरी कविता में भी आ जाते हैं, ऐसे कई कवियों के लिए हम देखते हैं। और उनकी कविता उन्होंने उसको पर्याय में जो है उन्होंने विभाजित किया था, जैसे पूजा प्रकृति स्वदेश इस तरह। और मैंने आपको कहा कि 52 जो है उनके संग्रह हैं 51 तो संग्रह थे कि साथ में एक गीतांजलि, गीतांजलि की कुछ कविताएं दूसरे संग्रह में भी है। और कविता में जो है अपने जो प्रेम और सौंदर्य और ये वो उनको जीवन से बहुत जीवन के प्रति बहुत आकर्षण था, बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने कहा है कि ना मुरीद चाहे ना भी सुंदर भुवन हाँ कि सुंदर भुवन में मैं भुवन से जाना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता।
ना दिखे ना दिखाई पड़े, एक पत्ते के झरने में, किसी के चलने में, लहरों के बहने में, गांव के जो है दोपहर के समय जो सनसन हवा बहती है उसमें, क्या नहीं ऐसे छोटे छोटे अजस्त्र बिंब आपको मिलेंगे जिसको कहते हैं ना इमेजरी पावर, यानी उनकी कल्पना शक्ति, उनकी वो इतने अद्भुत और इतना तीक्ष्ण था, उनकी देखने की शक्ति और उसे आत्मसात करने की शक्ति, उन्हें अपने समय के हर एक कवि से अलग करके और बाकी शायद आने वाली। और यही वजह है कि उनके समय में, उनके बाद के समय में, आने और अब की और शायद आने वाली पीढ़ी के कवि भी उन्हें जब भी पढ़ेंगे उनसे कुछ ना कुछ देंगे। अब नाटक की बात आती है तो नाटक में भी आप देखेंगे कि तीन तरह के नाटक उन्होंने लिखे हैं, एक तो बिल्कुल जिस तरह से जिसको कहते हैं कि ड्रामा थी, और दूसरा जो है वो गीति नाट्य। गीति नाट्य बहुत अधिक जो है विख्यात है क्योंकि बंगाल में एक परंपरा है कि जो है नृत्य नाट्य, आपने सुना होगा या देखा भी होगा शायद, इन्हीं गीति नाट्यों पर नृत्य नाट्य का भी मंचन हुआ है, जैसे चित्रांगदा जो विख्यात है उनका चित्रांगदा, श्यामा, उसके बाद साक्षेत देश, और लेकिन ये सारी जो है केवल मात्र किसी ऐतिहासिक किसी राजनीतिक घटना को घटना का विवरण मात्र नहीं है, उनके माध्यम से कई कई तरह के जो संदेश और वो भी उस समय जो प्रासंगिक थे और शायद आगे आने वाले समय में थे। अगर आप साक्षेत देश पढ़ोगे तो देखना उसमें जो नियमों की जो नियम मानने की बात कही गई है, और कभी कभार हम देखते हैं यहाँ पर तो जरूर आप लोग करवा भी सकते हो अगर जाए, तो उसका मंचन भी आप लोग कर सकते हो, कभी एक हिस्से का मंचन कर सकते हो, तो उसमें जो जो सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक वो सारे उनकी विशेषताएं जो है वो चित्रकार काव्य नाट्य या गीति नाट्य में भी प्रकट होते हैं। और उसके बाद उनके जो यात्रा वृत्तांत, मैंने आपको बताया कि चार यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा जिसमें वो चार जगह गए थे, एक तो यूरोप यात्रा की डायरी, और जापान, उसके बाद फारस जिसको हम लोग अभी ये बोलते हैं प्रभावित हुए थे, हिंदी कवियों पर उनका प्रभाव बार बार आता छाया वाली, खासकर छाया वाली कवियों
चैतन्य पूजन साधना आराधना सब पड़ा रहने दे, पंच द्वार देवालय के कोने में क्यों पड़ा है तू? अंधकार में छिपकर मन ही मन किसे पूछता है? आंखें खोलकर देख जरा, देवता नहीं इस मंदिर में, वे तो वहां गए जहां मिट्टी के ढेले फोड़कर किसान करता है खेती और मजदूर पत्थर तोड़ बना रहा है मां, खट्टा रहता है बार मास, ईश्वर वही मिलेंगे। तोड़ती पत्थर के साथ कुछ कुछ जो है यहाँ पर सादृश्य है। और ये देखो, ऐसी योजना सुमधुर बंसी बनी दूर दूर, यामिनी की मुस्कान के नयनों में मृदुर निद्रा का है आवेश, नदी से तरंगे उठ रही है, वृक्षों पर पत्ते हिल रहे हैं, लता में दो फूल खिलकर पत्तों में सर छिपाए हैं। कहीं कहीं महादेवी जी का जो है, महादेवी जी ने भी अद्भुत जो है कविता का कविता की रचना की है। महादेवी की संध्या संगीत और रविंद्रनाथ का सांध्य संगीत, महादेवी की सांध्य गीत और रविंद्रनाथ का संध्या संगीत, इन दोनों को अगर पास पास रखकर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जैसे है, कई बार एक ही कवि को हम पाते हैं दो तरह की कविता, या शायद एक ही कविता दो कवियों ने एक जैसा लिखा है। और निराला के बारे में तो आप लोगों ने बार बार पढ़ाई है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें यहाँ बताने की जो है मुझे जैसे कोई अवकाश नहीं है मेरे पास, अभी समय भी हो रहा है, कितना समय हो रहा है बताइए। तो निराला यहीं पर, निराला का जन्म हुआ है, बचपन गुजारा वो युवक भी यहीं पर हुए हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि महिषा दल में जब उसे रहते थे उसी समय उन्होंने कवि रविंद्र का जो है शायद बहुत से कई कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, रविंद्र कविता कानन नाम से उन्होंने किताब भी लिखी। और उसके बाद उनकी कविताओं में तो परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों तरह से लोगों के तो रविंद्र जी का प्रभाव रिंगकर पर है। और भी कई कविता है, अभी अभी वो सारे कवि मेरे मुझे याद नहीं आ रहे, इतने सारे कवि जो आज भी उनसे प्रभावित है, जिसमें मैंने विमल जी का नाम लिया। उनकी मुझे लगता है कि हर शायद हर विधा पर मैंने कुछ कुछ बात रखी है। कविता उपन्यास, उपन्यास पर अगर कुछ ना बोलूँ तो यह अधूरा रह जाएगा। उनके कुछ उपन्यास श्रेष्ठ चरम उपन्यास, यहाँ तक कि 20वीं सदी के श्रेष्ठ उपन्यास तक जो है उपन्यास के रूप में स्वीकृति पाए हैं। उनमें एक नाम गोड़ा है और दूसरा था घौरे बाली। घौरे बाली एक राजनीतिक उपन्यास है और उसमें उस समय के जो शस्त्र विरोध आंदोलन चल रहे थे उसका उन्होंने, कवि ने जो है उसका समर्थन किया था। इसको लेकर ये उपन्यास जो है काफ़ी इसको कहते हैं कंट्रोवर्सियल रहा है, क्योंकि उस समय कवि ने जो कहना चाहा था वो कई लोग जो है नहीं समझ पाए थे, तो इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। और इसको जो है आपने देखा होगा, अगर बाद में कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा जरूर, सत्यजीत राय ने इस पर जो है फिल्म बनाई थी घोरे बाली ने। इसका हिंदी में शायद अनुवाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप मूल फिल्म देखोगे तो सबटाइटल्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे। और कई एक कहानियाँ और उपन्यास हिंदी में भी जो है वो रूपांतरित हुई हैं, वो फिल्में बनी हैं। जैसे एक काबुलीवाला, इसका डबल वर्षन आया था, काबुलीवाला बांग्ला में भी फिल्म बनी थी और हिंदी में भी। काबुलीवाला तो कहानी थी, और साथ ही जहाँ तक मुझे एक और फिल्म की याद आ रही है, खुदी तो पाषाण, द हंगरी स्टोन्स नाम से ये अंग्रेजी में अनुवादित हुई थी, और इसका जो है लेकिन नाम से गुलजार जी ने इसको फिल्माया था, लेकिन नाम से। ये ऐतिहासिक एक घटना को लेकर उन्होंने लिखा था। वो उनके, वो मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से कल्पना करते थे, जहाँ भी जाते थे जिस जगह जाते थे वो उससे उस जगह के पात्रों को लेकर मिलाते थे और एक कहानी बढ़ते थे। खुदी तो
आश्रम जो है वो राजस्थान में थे उस समय उन्होंने ये रचना रची थी। तो इस तरह से जो है वो रविंद्रनाथ को अगर हम आज लोक संगीत पाश्चात्य संगीत पाश्चात्य लोक संगीत और ट्रेडिशनल जो बाउल संगीत है इन सब के जो मतलब छोटी छोटी जो नॉन्सेंस कहते हैं जो सारी चीज़ों के बारे में इतनी शिक्षा उन्होंने अर्जन की थी कि सारे इन सारी चीज़ों का उन्होंने अपने गायन में अपने गीतों में एक उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसमें मैं दो गीत जो है अपने उसमें एक करके लाई थी कि मैं आपको सुनाऊंगी और ऐसा नहीं था कि सारे गीत उन्होंने सारे जो सुर जब उन्होंने लयबद्ध किया स्वरबद्ध किया वो सारे सुर उनके अपने थे। कई बार वो विदेशी सुर से भी प्रभावित हुए थे यहाँ तक कि बाउल से भी। दो तीन ऐसे गाने हैं जो यहाँ पर बंगाल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत पुलिस से क्लिक करते रहते हैं नाचते हैं उन पर वो उसको दे और वो खासकर जो है ऋतुओं पर गीत है जैसे पौष आप जानते हो पौष का महीना पूस का महीना हिंदी में जिसको बोलते हैं तो पूस के महीने पर एक गीत है गाना है तो ये गीत असल में नवान्न से जुड़ा हुआ है क्योंकि नवान्न मतलब ये पौष अगहन के महीने में नया फसल जो है वो उसके उसके मतलब वो फसल पककर तैयार होती है और किसान के घर में वो फसल आता है उस समय जो है एक खुशी एक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। उस पर्व या उस पर्व के अवसर पर हमने ये गीत रचना की और उसके बाद जो है आप देखोगे कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ये जो पोस्टर की थे ये पूरा एकदम फोक सॉन्ग है बाउल का भी उस पर जो है प्रभाव है लेकिन कई बार आप देखते हो कि शास्त्रीय संगीत को उन्होंने किस तरह से आत्मसात किया था सीखा था उन्होंने स्वयं और खुद भी गायन करते थे और उनकी रिकॉर्डिंग भी कुछ कुछ अभी भी उपलब्ध है और उस समय उन्होंने तीन डिस्क जो है रिकॉर्ड उस समय रिकॉर्ड या रिकॉर्ड में उसको तीन डिस्क उनके जो है बाजार में उपलब्ध थे खुद उन्होंने जो है ये डिस्क तैयार किया था ड्रामा फोन रिकॉर्ड में तो अभी भी वो उनकी आवाज़ में सुन अगर आप चाहो तो सुन सकते हो। और उन्होंने कई बार जो है विदेशी संगीत विदेशी जो पाश्चात्य संगीत है उससे भी सुर लिया था खासकर जो स्कॉटिश और ब्रिटिश जो गीतकार होते थे और कवि उनकी कविताओं पर उनके गीतों को लेकर उस सुर को लेकर उन्होंने उस सुर में अपने गीतों को स्वरबद्ध किया था। ऐसे गीतों में एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है फूले फूले ढोले ढोले ये बांग्ला में फूले फूले ढोले ढोले हिंदी में जो है परिणीता जो कि शरद चंद्र के एक रचना है उपन्यास पर ये फिल्म जो बनाए गए थे तो इस फिल्म में इस गाने को दिया गया था फूले फूले भंवरा भंवरा आप जानते हो उसको और इसी को जो है स्कॉटिश कवि थे स्कॉटिश कवि उनका नाम था रॉबर्ट बर्न्स ने एक बहुत विख्यात एक गीत का सुर उन्होंने दिया था उसी सुर से इन्होंने दिया था। तो ये तो उनके जो है गीत के प्रति आकर्षण जो था और वैसे भी ठाकुर बाड़ी में हमेशा से जो है गीत नाटक ये सारी चीज़ें जो वहीं पर रचे जाते थे खेले जाते थे जो नाटक रविंद्रनाथ रचते थे वो नाटकों को ठाकुर बाड़ी के ही लोग उनके परिवार के सदस्य ही उन नाटकों का मंचन करते थे। अब भी अगर आप कभी हो सके तो जोरासा को अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर उन नाटकों का मंचन होता था जोरासा के पीछे की तरफ और सारी जो स्त्रियाँ हैं वो ऊपर बैठती थी पुरुष जो है वो नीचे बैठते थे वो मंच अभी भी है। कभी गए हो आप लोग
और कई बार तो उनको मतलब कुछ लोगों ने बुर्जुआ कवि कहकर भी उनका उल्लेख किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि उनकी जो दलित उनका चिंतन था, दलित चिंतन, क्या ऐसा लगता है कि वो बुर्जुआ कवि थे या कि वो अभिजातों के कवि थे? मैं एक बहुत ही एक कविता जिसका शीर्षक है साधारण में, यानी एक साधारण लड़की, इसका उल्लेख करना चाहूंगी। ये कविता दरअसल उन्होंने शरद चंद्र को संबोधित करते हुए लिखा था। शरद चंद्र एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने स्त्रियों को नया जीवन दान दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके साहित्य में स्त्री जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और स्त्री के साथ हुए हर तरह के अन्याय अविचार का कहीं ना कहीं एक समाधान उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। शायद जितनी सहमर्मिता उनकी थी स्त्रियों के प्रति, मुझे नहीं लगता कि बंगाल के बाकी लोगों में इतनी थी, जितना कि मतलब सबसे पहले, जितना से कहा जाता है कि सबसे पहले प्रेमचंद ने स्त्री को जो है मोह माया दरबार कहा जाता था, वहां से लाकर स्त्रियों को एक आश्रम कर बिठाया, उसे एक स्थान दिया समाज में, उसी तरह से शरदचंद्र को भी कहा जाता है। शरदचंद्र मतलब स्त्री की हर पीड़ा से परिचित थे। तो रविंद्रनाथ शरदचंद्र को ऐसे लगा था जैसे शरदचंद्र को उल्लेख करके एक लड़की साधारण लड़की लिख रही है, और लिख कौन रहा है? रविंद्रनाथ। क्या लिख रहे हैं? शरद बाबू, तुम तो हर स्त्री की पीड़ा से परिचित हो। इसका जो मतलब ये है, जिस्ट है, वो मैं आपको बता दूँ कि आप तो हर स्त्री के दर्द पर लिखते हो, उसे उसका समाधान देते हो, तो मेरे लिए भी एक ऐसी कहानी लिखो ना, एक इस तरह से लिखो कि फिर वो अपने बारे में बताती है कि उसका जो प्रणयी था यानी प्रेमी था वो एक संपन्न घर का व्यक्ति था, वो उसे छोड़कर विदेश चला जाता है। तो वो कहती है, शरद बाबू आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी पढ़ लिख कर, यानी एक साधारण लड़की की असहायता देखिए, वो बोलती है कि मैं भी पढ़ लिख कर मुझे भी कुछ बहुत अच्छा मतलब जो है बनाकर, कोई डॉक्टर या कुछ बनाकर मुझे विदेश भेज दो, और विदेश में एक ऐसे माहौल में उससे मेरी मुलाकात करवाओ। तुम्हारी कलम में तो शक्ति है ना, मैं तो नहीं जा सकती, मैं बहुत असहाय हूँ, मैं एक दरिद्र परिवार की लड़की हूँ, मैं अपने शिक्षक भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी कलम में वो शक्ति है, तुम मुझे भेज दो विदेश और वहाँ जाकर मेरी मुलाकात करवाओ उस लड़के से, जहाँ पर मैं उससे एक कदम और आगे निकल जाऊँ। ये एक कविता जब आप पढ़ते हुए साधारण लड़की की कहानी, यानी वो जो सोच नहीं सकती, जो कर नहीं सकती, वो एक लेखक को उस वैकुंठा को आप समझिए, उस आरती को समझिए जिससे वो कहते हैं कि मेरे लिए ही एक कहानी आप इस तरह से लिखिए कि जहाँ मैं मेरे उस प्रणय से एक कदम आगे बढ़ जाऊँ, मुझे आप जिता दीजिए, मैं वहाँ पर विजय बन सकूँ, ये आप कीजिए। मुझे याद आती है कि 2004 में जब 4-5 में जब प्रेमचंद की जो है 100 साल जो 100 वर्ष जो है सब लोग समारोह मना रहे थे, कई कई संगोष्ठियाँ और जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था दिल्ली में। इस तरह के आयोजन में प्रेमचंद पर एक पेपर पढ़ा था मैत्री पुष्पा ने, और उन्होंने वहाँ पर कहा, उन्होंने पेपर नहीं पढ़ा, उन्होंने आप जानते हो गोदान के दो प्रमुख पात्र कौन थे, कोरी और धनिया, उन्होंने धनिया से पत्र लिखवाया प्रेमचंद को कि तुमने मुझे होरी से ज्यादा अधिक शक्तिशाली क्यों नहीं बनाया, तुमने ये क्यों किया, इतने सारे प्रश्न उन्होंने गोदान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये सारे सवाल उठाए। तो उसे देखकर मुझे याद आ गया, मैंने उसका जिक्र भी एक बार किया था वहां पर मैत्री जी उपस्थित थी, मैंने कहा था जिस तरह से आपने ये प्रश्न उठाया था, सवाल उठाया कि प्रेमचंद आपने ये अन्याय क्यों किया मेरे साथ, मुझे थोड़ा और शक्तिशाली और शक्तिमान क्यों नहीं बनाया, तो शायद मैं और कहीं कहीं, लेकिन जबकि उन्होंने लेकिन बनाया था धनिया, जब गोबर की जो प्रेमिका थी, क्या नाम था उसका बताओ, हाँ उसको लगाकर अपने घर में रखती है कि नहीं, स्थान देती है कि नहीं, तो क्या उस समय के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत साहसी कदम नहीं था? लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम अगर और थोड़ा सा मुझे शक्ति देते, और थोड़ा सा मुझे जो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, थोड़े
इसी तरह से प्रश्न इन्होंने भी उठाया कि तुम मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं, यानी एक फिर से एक बार एक स्त्री के मनोविज्ञान के इतने करीब, इतने बड़े, इतने कुशल ज्ञाता वो कैसे दे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। तो यूँ तो रविंद्र को आंखने के लिए मुझे लगता है कि मैं शायद उतने योग्य नहीं हूँ, शायद रविंद्र की प्रतिभा को आंखने के एक और रविंद्र आज होना चाहिए। और रविंद्र को पढ़ना क्यों जरूरी है अब तक आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि आज जितनी समस्याएं, जो समस्याएं हम देख रहे हैं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आप जानते हैं जो घोड़ा उपन्यास था उसका प्रमुख पात्र, जो प्रमुख चरित्र कौन था, घोड़ा ही था। लेकिन घोड़ा असल में था क्या, था कौन? वो जन्म से अंग्रेज था, लेकिन उसको ये पता नहीं था। उसे जिसको कहते हैं कि कट्टर ब्राह्मणवादी पुरुष के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सोचो अगर वो व्यक्ति जानता कि वह अंग्रेज है, तो इसका मतलब जो जिस परिस्थिति में रहता है वो उस परिस्थिति का शिकार होता है। तो ये जो कट्टरपन है इसके विरोध में ही इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। ये जो धर्मांधता है, ये इन सारी चीज़ों को उन्होंने निशाना बनाया था। तो वो सारी चीज़ें लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सारी समस्याएं और इन समस्याओं का सारा बीज उनके उपन्यासों में दिखता है, सिर्फ नहीं समाधान सूत्र भी उनमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में आगे और भी कई बड़े विद्वान आएंगे जो हर एक पक्ष को लेकर और भी विस्तार से और भी सूक्ष्मता के साथ कई उदाहरणों के साथ आपको बताएंगे। शायद कभी फिर आने का मौका मिले तो तब फिर बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और इतना प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। रविंद्र साहित्य एक समुद्र के समान है और बहुत कम विद्वान हैं जो तैयार होते हैं रविंद्र पर कुछ बोलने के लिए, वो भी कम अवधि में। आपने इस चुनौती को स्वीकारा और लगभग सभी पक्षों पर थोड़ा थोड़ा ही सही, क्योंकि फिर भी आपने 70 मिनट अपनी बात रखी है, 70 मिनट। तो इतने अभी भी लग रहा है कि कुछ सुना नहीं, अभी कुछ और चीज़ें छूटी रह गई हैं जिसका जिक्र आप भी कर रही। तो ये अधूरापन उस विराट हृदय की व्यापकता को भी दिखाता है। अब आप सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ प्रश्न पूछें, प्रश्न संक्षेप में रखें, उत्तर भी संक्षेप में होगा, और उसके बाद हम तनुजा मैम जो यहाँ इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं उनकी बात भी संक्षेप में सुनेंगे। सवाल कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी आप अपनी तरफ से करना चाहें? आपके मन में इतनी सारी बातों को सुनने के बाद कुछ तो कुतूहल हो रहा होगा कि कैसे थे या फिर उनके सामने या ऊपर गिर रहा है। सबसे बड़ी बात है तो ये बताना
पेंडालिका से शुरू करके वो विषयों से जो है नृत्य और संगीत को रखकर ही जो है उन्होंने उसकी रचना की थी। और रविंद्रनाथ मानते थे कि नृत्य संगीत और चित्रकारिता ये पर जो हम शिक्षा देते हैं ना बच्चों को उस शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए गीत नृत्य और चित्रकला। यानी ये तीनों चीजें शिक्षा में तीनों को शामिल किया जाना चाहिए ये इनका था। और इसलिए उन्होंने जब शांति कीर्तन की स्थापना की तो वहाँ पर ये तीनों चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी जो है चित्रकला संगीत और नृत्य तीनों का बहुत महत्व है। पढ़ाई के साथ साथ ये तीनों अवश्य वहाँ पर देखना पड़ता है ये चीज़ एक थी। और एक बात और आप जो बता रहे थे कि वो कैसे मतलब जो है इस तरह से इतना सुंदर ढंग से काटते थे तो वो असल में क्या है कि उस व्यक्ति के मन में कवि के साथ साथ एक चित्रकार भी था। मैंने कहा कि बहुत लेट उन्होंने अपने जीवन में चित्र बनाना शुरू किया लेकिन उससे पहले ही वो जब भी अपनी किसी चीज़ को काटते थे उसको भी देखते हैं कहीं पर भी असुंदर काटे हैं। उन्होंने खुद ही एक जगह मेंशन किया कि वो पुरातन पंथी नहीं थे जब उनकी उम्र 80 साल की तब भी वो लेकिन प्रेमी थे। कैसे आप जानते हो कि उनके जीवन में प्रेम प्रसंग बहुत सारे बहुत बार मतलब स्तर से आए हैं और जिसमें विक्टोरिया ओकोंको का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने विक्टोरिया का बांग्ला में नाम दिया था विजया विक्टोरिया मतलब भी लेकिन विक्टोरी मीन्स विजय होता है। तो ये है कवि कल्पना है विक्टोरिया तब कितनी उम्र की थी आपको मालूम है क्या जनजाति थोड़ा जनजाति को भी खींच रही हूँ वो सिर्फ 25 साल की उम्र की थी और कभी उस समय काफी मतलब है हाँ ठीक है आस पास सब तक की उम्र लेकिन प्रेम तो संभव है हर परिस्थिति में हर उम्र में उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो उन्होंने उसको नाम दिया था विजया और जब वो बहुत बीमार हुए थे तब विक्टोरिया उसे अपने घर ले गई जब वो विदेश में गए थे। और आप और एक बात बताते हैं जिससे आप बहुत आपको गर्व होगा कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म स्थान है स्टैट्सफोर्ड ओवन वहाँ भी जाकर आपको लेकिन रविंद्रनाथ की मूर्ति मिलेगी विलियम शेक्सपियर के पास से। तो ये है मतलब एक विश्वकवि इसीलिए कहा गया था और विश्वकवि की उपाधि जिन्होंने दी थी वो लेकिन कोई बंगलभाषी नहीं थे उनका नाम था ब्रह्म ब्राह्मण उपाध्याय। और कोई सवाल और कोई सवाल कोई टिप्पणी हाँ बोलिए अलौकिक व्यक्ति हो जाते हैं कम से कम हम आम लोगों के लिए। मैं फिर से उस बात को पुनरावृत्ति करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल में 80 वर्ष थे उनके जीवन जिंदगी के जिन्होंने इतने सारे विधाओं में लगभग हर विधा में हर तरह की रचना की और असंख्य एक दो नहीं अनगिनत। तो कहीं ना कहीं एक समय पर आकर उनको लगा होगा कि मेरे इतने रचनाओं में से कुछ रचनाएं तो रहेंगी क्योंकि रचना जो है वो एक वो मनुष्यत्व की तरह मनुष्य जो है नश्वर है लेकिन मनुष्यत्व अविनश्वर है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह मेरी कुछ रचनाएं रह जाएंगी और शायद 100 साल बाद कोई बैठ कर कहीं निर्जन निवृत्त में मेरी एक कविता पढ़कर मुझे याद कर रहा होगा। ये तो मैंने बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कितना कि क्या उनके मन में वो इतना आत्मविश्वासी थे कि 100 साल बाद भी उनकी कविताएं पढ़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी 100 साल बाद किसी कवि की रचनाएं पढ़ी थी और पढ़ाई नहीं था उसका अनुवाद भी किया था। वो कौन थे? कबीर किया था ना हालांकि अंग्रेजी में किया था 100 poems ऑफ कबीर उन्होंने और खेती मोहन सेन में सेन कौन है पता है ना अमर्त्य सेन के नाना जी और उन्होंने जो है उनको
कवि गुरु का नाम लिया था, कवि गुरु उसके बहुत से नाम थे, और वो एक भानु सिंह नाम से भी लिखते थे। वो विद्यापति से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि विद्यापति की पदावली के अनुरूप उन्होंने भी पदावली का जो है पदावली की रचना की, और भानु सिंह के नाम से, भानु सिंह के पदावली नाम से विख्यात है। और मात्र 8 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी, और कविता इतनी मजेदार। आपको मालूम है कि रविंद्र जो थे वो बचपन से ही उन्हें नौकर चाकर में ही, क्योंकि बहुत बड़े जमींदार के देखे थे, और उनके पिताजी बहुत बड़े जो है व्यवसायी भी थे, बहुत सम्भ्रांत और संपन्न परिवार था उनका, तो उनका पालन पोषण जो है और भाई बहनों के साथ वही सारे नौकर चाकर करते थे। और वो बहुत शाम थे, और शुरू से ही जो है क्योंकि कभी बड़े कभी होने के लक्षण शायद यही होते हैं, बहुत भावुक थे, तो उनके खाने में से कई बार जो उनको रसोईया जो था ना वो कहता था कभी दो पूरी देकर कहता था इतना खाओगे कि नहीं खाओगे, करके डाल देता था इतना खाओगे कि नहीं खाओगे। तब वो क्या उनको बहुत पसंद था क्या, दूध में रबड़ी का दूध नहीं होता है, रबड़ी का जो दूध होता है उसमें संदेश मिलाकर और उसको मिलाकर खाने में बहुत अच्छा था। पहली कविता यही लिखी थी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मैं उसको बांग्ला में ही बोलूंगी है। और उसमें केला, केला अच्छे से केला, संदेश और दूध सब मिलाकर खाना उसको बहुत पसंद था। कब खाते थे, चुप चुपा कर भाई बहन मिलकर दोपहर के बाद है। कविता इस तरह की है कुछ, मतलब कविता इस तरह की, बहुत निस्तब्ध दोपहर, आसपास कहीं कोई नहीं, दूध में संदेश, संदेश में केला, सब मिलाकर चुपचाप आवाज कैसी इतने बड़े बड़े हैं, हापुस हुपुस डिस्टर्ब्ड हो, डिस्टर्ब्ड हो चारी दिन डिस्टर्ब्ड हो, पीपीला खा दिया जाए पानी, मतलब सिर्फ आवाज आ रही हापुस हुपुस तो खाने की, चारी दिन डिस्टर्ब, चारों ओर एकदम स्तब्ध है, कोई कहीं नहीं है, पीपीला खा दिया जाए पानी भी, जो ये है ना चीनिया जो है वो आती है तो पान खाने में सिर्फ पत्थर पत्थर को देख कर रो रो के वापस जा रही, यानी उसमें एक एक खंडन अमल हो गया है। और पहला गीत जो लिखा था वो गाना जानक से प्रेरित होकर लिखा था। आप जानते हो पिताजी के साथ बचपन में, बचपन से ही बहुत घूमते थे पिताजी के साथ। एक बार वो नानक, ये उसको क्या कहते हैं जहाँ पर नानक का ये है, अमृतसर में नहीं, ननकाना साहिब में गए थे, वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने ये भजन सुना कि आकाश आकाश रूपी थाली में चंद्र सूर्य चंद्र जय, आकाश रूपी थाली में सूर्य चंद्र रूपी दीप जय, उसको उन्होंने सुना था। आकाश थाली में चंद्र सूर्य रूपी दीप जय, उसको फिर उन्होंने बांग्ला में ट्रांसफर नहीं किया था कहूँगी, क्योंकि 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला गीत लिखा था और ये गीत कही था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ताली बजाइए। प्रोफेसर तनुजा मजुमदार मैडम जो कला संकाय डीन हैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की, मैडम के नेतृत्व में एक संस्थान यहाँ चलता था गांधी सेंटर। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत, और ये जो कुर्सियाँ वगैरह आप देख रहे हैं बांस की, ये बहुत प्यारा एक संस्थान था, और दर्जनों सेमिनार मैडम ने करवाए हैं इस विषय से भी संबंधित, टैगोर और गांधी पर विशेषकर व्याख्यान हुए हैं। तो तनुजा मैम के पास टैगोर साहित्य और उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का एक अच्छा अनुभव है, मैं चाहूँगा कि संक्षेप में आप अपनी बात करें। मेरा विषय मेरी प्यारी छोटी बहना सोमा, ऋषि और इंदो मेरी बाहर से आने वाले अतिथिगण, मेरे प्रिय छात्र छात्रा, सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ हमारे नए अध्यक्ष जी को एवं उनके सहोदर ऋषि जी को, टैगोर लखनमाला
मेरी है इसके अंदर, मेरी है। नहीं नहीं, मैंने पहले नाम ले लिया, पहले मैंने नाम ले लिया मेरी का। और ये टैगोर पैठन माला की शुरुआत मैं सुनकर हैरान हुई कि फेसबुक में इस तरह के कमेंट भी आए रविन्द्रनाथ को लेकर। प्रेसिडेंसी रविन्द्रनाथ को लेकर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? और प्रेसिडेंसी का हिंदी विभाग नहीं लेकर सोचेगा तो कौन सोचेगा? शायद उस महोदय को मालूम नहीं होगा। इसका मेरे एक ऐतिहासिक कारण है। जहाँ हम आज उपस्थित हैं हिंदू कॉलेज, इसकी नींव द्वारकानाथ ठाकुर ने डाली थी डेविड हेयर के साथ, राजा राममोहन राय के साथ। जब द्वारकानाथ ठाकुर विदेश गए थे और वहाँ की शिक्षा पद्धति को देखा था, उन्हें बहुत अफसोस हुआ था कि हमारे देश में कैसी संस्था नहीं है। और तब उस समय के पांच व्यक्ति एक साथ बैठकर मिलते हैं और सोचते हैं उच्च शिक्षा की एक संस्थान का निर्माण करना होगा। ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं थी, मेकाले तो बहुत बाद में आते हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के, नागरिकों की सहायता से, उनके धन की सहायता से हिंदू कॉलेज की नींव पड़ी थी और यहीं से उच्च शिक्षा आरंभ हुई थी। और इसके बाद भारतीय नवजागरण में प्रेसिडेंसी कॉलेज की अद्वितीय भूमिका रही है। जोड़ासाको के ठाकुर परिवार के साथ इसका गहरा संबंध रहा है, इसलिए यहाँ तो बहुत स्वाभाविक है रविन्द्रनाथ को लेकर चर्चा करना। ये व्याख्यान माला तो देर से शुरू है, तो बहुत पहले से होना चाहिए था, इसीलिए मैं साधुवाद देती हूँ। दूसरी बात, कुछ बातें मेरे जेहन में आ रही थी जब आप बात कर रही थी उस समय, प्रासंगिकता पर। क्या जरूरत है रविन्द्रनाथ को इतना सोचने के लिए, यही तो सवाल है ना। अगर सचमुच प्रासंगिकता का समय देखा जाए तो रविन्द्रनाथ का युग और आज का युग एक नहीं है। घोरे बारे में जब नारी की स्थिति थी और आज नारी की स्थिति वो नहीं है, युग काफी बदल गया है। लेकिन रविंद्रिक साहित्य का स्पिरिट नहीं बदला। मैं स्पिरिट की बात, कब अगर कोई साहित्य का प्रासंगिक होता है या उसका साहित्य प्रासंगिक होता है तो वो उसकी चेतना की वजह से होता है, उसके भीतर जो चेतना रहती है वो रहता है। रामलीला शर्मा ने एक जगह लिखा है, अब मैं जगह किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि रविन्द्रनाथ हिमालय की तरह है। जैसे हम अगर हिमालय के सामने खड़े होते हैं तो केवल उसके पाद प्रदेश को ही देख पाते हैं, ठीक वही बात है कि जब रविन्द्रनाथ के साहित्य के हम सम्मुख होते हैं तो हम उसको पूरी तरह, हमारे अंदर वो जिंदगी निकल जाएगी, हम पूरे साहित्य को नहीं समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, इतना विराट उनका साहित्य है। सोमा का तो ये क्रेडिट है कि 70 मिनट में उसने रविंद्रिक साहित्य के लगभग सभी परिदृश्यों को छुआ, क्योंकि सोमा अच्छी तरह से जानती है, आप परिचित नहीं है रविंद्रिक साहित्य। अगर रविंद्रिक साहित्य पर उनको लेक्चर देना होगा तो जब आप उससे परिचित नहीं, आप कितना ग्रहण कर पाएंगे? इसलिए उसने हर क्षेत्र को छूते छूते आपके भीतर उस रविंद्रनाथ को बिछाने की कोशिश की, ताकि आप उस रविंद्रनाथ से प्रेम करें। ये काम बहुत कठिन था, इसके लिए मैं सोमा को साधुवाद दूँ। सोमा की एक चीज, सॉरी मुँह से सोमा जी नहीं निकल रहा है ना, सोमा की एक चीज मुझे बहुत छू गई। रविंद्रनाथ पर चर्चा हो रही है लेकिन कविता से बात नहीं आ रही, कहा
निष्पक्ष राय देनी हो तो कोई भी रविंद्र का अध्येता, रविंद्र साहित्य का अध्येता ये जरूर कहेगा कि रविंद्रनाथ गद्य में ज्यादा प्रखर है पद्य की तुलना में, उनका गद्य ज्यादा सुंदर है, कहानियां तो बेहद सुंदर है, छोटी छोटी कहानियां बहुत ही सुंदर है, मुझे उनकी कहानियां सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरी जो चीज उनकी सबसे ज्यादा पसंद है उनका निबंध अद्भुत है, उनके निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद भी कहते हैं कि ललित निबंध अगर सीखना है तो वो रविंद्रनाथ से ही सीखना है। अब मैं जो स्पिरिट की बात कर रही थी, मैंने अभी पहले भी कहा है कि रविंद्र युग और आज के युग में जमीन आसमान का अंतर है। रविंद्रनाथ के सामने जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस हमारे सामने नहीं, उससे भी विकट चैलेंजेस हमारे सामने हैं। सवाल है, उनको भी इतना भरोसा है कि 100 साल के बाद भी मेरी रचना पढ़ी जाएगी। रविंद्र साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है उसमें कहीं पर भी आपको छंद बता नजर नहीं आएगी, विराटता है, भावों की विराटता, विचारों की विराटता। जब सौंदर्य की बात आती है तब रविंद्रनाथ कहते हैं सौंदर्य का प्रमुख तत्व ही है, आधार तत्व यह समन्वय, जहाँ समन्वय में नहीं वहाँ सौंदर्य कैसा। वो गुलाब का उदाहरण सामने लाते हैं कि जरा देखो तो गुलाब के बाहर की पंखुड़ियाँ एक ही साइज की एक ही तरह से है, उसके अंदर की रो की एक ही साइज है, कत्ते कत्ते कहीं पर भी कोई छोटा बड़ा विपरीत बड़ा ऐसा तो नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, समन्वय के सूत्र में बंधा हुआ है। जहाँ समन्वय वहीं सौंदर्य, ये रविन्द्रनाथ का कहना था। इसलिए जहाँ कहीं कुत्सित है, गंदा है, अंधकार है, संकीर्णता है, उसका विरोध रविन्द्रनाथ ने आजीवन किया है। उनकी और एक खूबी है रविन्द्रनाथ की, अधिकतर स्वच्छंदतावादी कवियों में हम देखते हैं लाक्षणिकता का बहुत प्रयोग होता है, व्यंजना का बहुत प्रयोग होता है, भाषा बड़ी कठिन होती है, चाहे वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो या और किसी भी भाषा, बांग्ला में भी। दो कवि हैं भारत के रोमांटिक कवि जिनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद है, सरल है, सहज है, लेकिन भाव और विचार की दृष्टि से अत्यंत महान है। एक है रविंद्रनाथ और एक है सुब्रमण्य भारती। और ये दो कवि हैं जो घर घर घुसे हुए हैं। बंगाली जीवन में अगर अन्नप्राशन है तो रविंद्रनाथ, शादी है तो रविंद्रनाथ, शिक्षा आरंभ करना है तो रविंद्रनाथ, शोक सभा करना है किसी की मृत्यु पर तो रविंद्रनाथ। घर घर में घुसे हुए हैं, जीवन के प्रति पल के साथ जुड़े हुए हैं। यही चीज मैंने सुब्रमण्य भारती के भी साहित्य में देखा। सुब्रमण्य भारती के गीत हर मौके पर प्रस्तुत किए जाते हैं, सुरों से बंधे हुए हैं। ये दो कवि हैं जो बहुत ही सहज भाषा में बात करते हैं। रविंद्रनाथ को अनुवाद करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी भाषा इतनी सहज होती है, भाव और विचार इतने गंभीर होते हैं। हम अपनी भाषा में तो सहज भाषा को तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन भाव और विचार को नहीं लेकर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अज्ञे ने उनकी कविताओं और गीतों का अनुवाद नहीं किया, बल्कि उनके उपन्यास में जब उनकी नायिका रविंद्र संगीत गाती है तो अग्नि उसको बांग्ला में रख देते हैं और नीचे नोट देते हैं कि इसका अनुवाद करना संभव नहीं है, पाठकों से अनुरोध है आप बांग्ला सीख लीजिए और इसका अर्थ। बड़ा कठिन है, क्योंकि उसका कारण है उनकी भाषा। इस भाषा का निर्माण स्वयं रविन्द्रनाथ ने किया था। उनके पहले जो बांग्ला भाषा थी वो इतनी सहज नहीं थी, दुर्भ भाषा थी, पांडित्य के बोझ से दबी हुई थी। रविन्द्रनाथ ने एक सहज भाषा का
प्रयोग किया और उसका विकास किया। एक जो बात सोमा आपके से छूट गई है, मैं उसका ज़रा याद दिलाना चाहती हूँ। रविंद्रनाथ ने बहुत सारे टेक्स्ट की रचना की थी। जब शांतिनिकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना हुई और प्रथाओं को तोड़ करके वो एक नई शिक्षा पद्धति का प्रचलन और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब टेक्स्ट की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो बहुत सारे टेक्स्ट की रचना उन्होंने की थी, जिसमें एक जो टेक्स्ट है वो दुर्लभ टेक्स्ट है, रविंद्र रचनावली का वो अंश नहीं बना है अभी तक, उसको अलग से वो प्रकाशित है विश्वभारती से, वो है अंग्रेजी पाठ। क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश टीचिंग कोर्स का पूरा सीरीज उन्होंने तैयार किया था, क्योंकि उनका कहना था मातृभाषा में ही शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए, विदेशी भाषा हमारे पर थोप नहीं दी जाए। लेकिन विदेशी भाषा भी सीखना जरूरी है, नहीं तो हम विश्व के साथ जुड़ नहीं सकेंगे। शांतिनिकेतन की पाठशाला के लिए तब उन्होंने तैयार किया वो सरल अंग्रेजी टेक्स्ट कि ये बच्चे मांगला भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये टेक्स्ट भी चलते रहेंगे ताकि उनको अंग्रेजी भाषा की भी विधिवत शिक्षा मिलती रहे। और वो कैसी अंग्रेजी? वो ऐसी अंग्रेजी जिससे आप साहित्य का आनंद उठा सकें। आपने यात्रा वृत्तांत की चर्चा की है, उनकी एक विख्यात यात्रा वृत्तांत है रूस की चिट्ठी, रशिया चिट्ठी। रविंद्रनाथ ये आइडिया उनके दिमाग में इसीलिए आया था, जब वो रशिया में गए, रूस में गए और मॉस्को में रह रहे थे, तो एक दिन उनकी बहुत इच्छा हुई यहाँ के थिएटर में मैं एक थिएटर देखूँ। तो उनके होस्ट ने कहा आज शेक्सपियर का बहुत विख्यात नाटक है, अभी नाटक मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम, दुकांत नाटक है, उसका आज शो होगा, आपको मैं दिखाने ले जाऊंगा। वो जब थिएटर के सामने गए तो उन्होंने देखा एक लंबी कतार मजदूरों की, हाथ में उनका टिफिन बॉक्स है, वो कारखाने से लौट रहे हैं और टिकट काटने के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या टिकट, ये मजदूर क्या टिकट काट कर शेक्सपियर का नाटक देखेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे। तो रविंद्रनाथ मन में सोच रहे हैं एक मजदूर शेक्सपियर के नाटक का कैसे आनंद लेगा। वो हॉल में जब बैठते हैं तो देखते हैं कि वो सारे मजदूर हर चीज का आनंद ले रहे हैं, डायलॉग पर रिएक्ट कर रहे हैं। लौट कर आकर, क्योंकि राशिया चिट्ठी तो पत्र शैली में लिखा गया है, वो लिखते हैं कि मैं हैरान हूँ कि इस तरह से मानसिकता का विकास किया जा सकता है किसान और मजदूरों का कि वो साहित्य का आनंद ले सके। इसीलिए उनके द्वारा जो बनाए गए अंग्रेजी के टेक्स्ट हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मैंने कहा था क्लास 5 से लेकर तब इंटरमीडिएट होता था, इंटरमीडिएट तक उन्होंने टेक्स्ट बनाए हैं और उसमें वो ऐसी अंग्रेजी सिखा रहे हैं जिससे आप केवल अंग्रेजी भाषा के पंडित नहीं होंगे, अंग्रेजी साहित्य का भी आनंद उठा सकते हैं। शांतिनिकेतन में एक चीज़ देखकर मैं बहुत हैरान होती थी, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, मेरी भी है यहाँ पर, अब इंद्रायणी की ही बात लेते हैं, तोमर जी की बेटी, वो वहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक उसने बांग्ला मीडियम में पढ़ाई की है, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स लिया, इंग्लिश में एमए लिया, इटालियन सीखा, इटली गई, फिर इटली इटालियन की प्रोफेसर होकर आ गई। मैं अपने हॉस्टल में देखती थी ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो इंग्लिश में पीएचडी कर रही हैं, लेकिन उनकी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बांग्ला मीडियम में पढ़ाई हुई। हमने भी तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, हमारे मेरे अंदर तो साहस नहीं है कि मैं इंग्लिश में ऑनर्स करूं या इंग्लिश में एमए, इंग्लिश में पीएचडी करूं। अमर्त सेन वो भी तो बांग्ला मीडियम में पढ़े हुए हैं, महाश्वेता देवी अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, वहाँ बांग्ला मीडियम में पढ़े हुए हैं। इसका श्रेय रविंद्रनाथ को है। रविंद्रनाथ ने जिन टेक्स्टों का निर्माण किया था कि मेरे बच्चे बांग्ला मीडियम में भी पढ़ेंगे और साथ साथ अंग्रेजी भी अच्छी तरह से सीखेंगे, ताकि वो अंग्रेजी साहित्य लेकर पीएचडी लेवल तक काम कर सके, ये उनका एक बहुत बड़ा अवदान है। और एक अवदान है उनका शिशु साहित्य, बाल साहित्य, अपने बच्चों के ऊपर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था।
कि बच्चे का विकास किस ढंग से, उसके लिए किस तरह के साहित्य की जरूरत है। रंगन शास्त्र, खुद खाना पकाते थे, रेसिपी की किताबें लिखते थे, बहुत सजते थे। जब उनसे कोई मिलने आता था तो अच्छा खासा अपने कमरे में बैठ कर से, क्योंकि मुझे लोग देखने आ रहे हैं तो मैं भी उनके सामने प्रेजेंटेबल हूँ, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ। तो जो रविंद्र साहित्य है ना वो बहुत विशाल है, पहनते थे वो, कुछ बनाते काठा स्टीच, जरा सोचो वो गांव गए या गांव में जा करके औरतों को देख रहे हैं कि ये लोग इस तरह से कंथा बुन रही है, कितना सुंदर डिजाइन है। वहीं से अल्पना दी को उन्होंने कहा का वो जो छोटा सा जो कुटीर बना अल्पना का, है ना, अल्पना दी से कहा कि मैं ये स्टीच चाहता हूँ, और वो लाया गया। फिर वो साड़ी कुर्ते सब पर कंथा स्टीच का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सबसे बड़ी बात है, शायद ही लोगों को मालूम होगा कि रविंद्रनाथ पहले भारतीय है जिन्होंने भारत का पहला एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव बैंक बनाया था, किसानों को महाजनों से मुक्ति दिलाने के लिए। और 1913 में उनका उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था, उस नोबेल प्राइज का एक भी पैसा उन्होंने अपने लिए खर्चा नहीं किया, उन्होंने उस बैंक में डाल दिया था कि किसानों को मैं मुक्त करूँगा महाजनों से। और वो एक गांव जिसके जो उनके डायरेक्ट जमींदारी में थी, काली ग्राम गांव, उस गांव के हर किसान को उन्होंने महाजनों से मुक्ति दिलाई थी। परिणाम क्या हुआ, रविन्द्रनाथ खुद कंगाल बन गए। साहूकारों ने, दूसरे जमींदारों ने, नवाबों ने उन पर ढेर सारे मुकदमे दायर कर दिए, और उन मुकदमों से लगातार लड़ते रहे, घर की एक एक पाई उनकी बिक्री हो गई। रविन्द्रनाथ ने पहला भारत का एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनाया था श्रीनिकेतन। उसके लिए एलियस यूनिवर्सिटी से वो लोगों को लेकर आते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स को लेकर आते थे, अपने दामाद को, अपने बेटे को उन्होंने अमेरिका भेजा कृषि विज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि वो भारतीय किसान का दुख समझते थे। ग्राम संविधान की उन्होंने रचना की थी। रविन्द्रनाथ ने बहुत कम, मैंने कहा उनका स्पिरिट थे, उनकी चेतना, कहीं भी क्षुद्रता नहीं है, भाव और विचारों की व्यापकता के लिए वो प्रासंगिक है। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अगर संकट में पड़ रहा है, अंतर्द्वंद के संकट में, जीवन के संकट में, और वो रविंद्र साहित्य के भीतर घुसता है, उसको बल मिलेगा, उसको दिशा मिलेगी। इसीलिए रविंद्रनाथ हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ऐसा कवि, ऐसा साहित्यकार सदियों बाद आता है। निराला ने कहा है कि पूरे भारतीय साहित्य में केवल दो ही साहित्यकार हैं जो जो अमर रहेंगे, एक है तुलसीदास और एक है। तो आप सभी को धन्यवाद। एक है तुलसीदास और दूसरे हैं जीवन रस और जीवन सत्य, अद्भुत समन्वय हमें रविंद्र साहित्य में दिखाई देता है, जिसकी तरफ मैडम ने हमारा ध्यान खींचा। अब एक मैडम है, वो कुछ कहना चाहती है। आइए मैडम। नहीं, यहाँ आ जाओ। माननीय कुलपति महोदया, गुरुजन एवं उपस्थित मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं ऋचा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा बिहार से आई। मेरा सौभाग्य है कि इस व्याख्यान माला में मैं शिरकत कर सकी। जहाँ तक अभी जो मैम का व्याख्यान रहा, तो उसका कंसेप्ट इतना क्लियर था कि मुझे नहीं लगा कि पूछने के लिए कुछ उसमें था। एक जरूर ऐसी बात हुई अभी व्याख्यान के क्रम में, जिस पर मुझे भी लगा कि मैं कुछ टिप्पणी करूँ, जो एक वही फेसबुक पोस्ट की जो बार बार चर्चा हो रही थी, मजबूरी। मैडम ने भी कहा कि हाँ, अगर इसे मजबूरी ही कहें तो
ठीक है क्योंकि उनका साहित्य जो पटल है वो बहुत व्यापक है। मैं थोड़ा इससे उतना इत्तेफाक इस शब्द से नहीं रखती हूँ, मैं इसको मजबूरियाँ नहीं कह सकती, उसको मैं ज़रूरत कहना चाहूँगी, क्योंकि मजबूरी और ज़रूरत में फ़र्क है। मजबूरी वो चीज़ है जिसका निर्वहन हमें जबरन करना पड़ता है या करवाया जाता है, ज़रूरत जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो रविंद्र साहित्य की जब भी बात होगी, और साहित्य अपने आप में क्या है, तो समाज का दर्पण होता है, तो वो साहित्य बांग्ला साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, अगर हम साहित्य की बात करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, वो उसका स्वरूप तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम रविंद्र साहित्य की बात नहीं करेंगे। तो ये यहाँ की मजबूरियाँ नहीं है, और ये केवल प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में इसकी मजबूरियाँ ही बात नहीं है। मैं दरभंगा बिहार से आती हूँ, और मैं कहना चाहूँगी मैम कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में वहाँ पे बराबर समय समय पर इनके ऊपर कार्यक्रम होता रहता रहता है, क्योंकि हम लोग अभी मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरी दादी वहाँ हिंदी है और दादाजी, तो मैंने सबके लिए गिफ्ट लाया, मेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे पति जी यहाँ रहते हैं, मैं वहाँ पे काम करती हूँ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। हाँ, इनका बहुत योगदान है। तो मैंने अपने दादी के लिए क्या लाया गिफ्ट में, मेरी बूढ़ी दादी माँ है तो ये घोड़ा, और इनका शरदचंद्र का परिणिता विराज बहु, उनके लिए सबके लिए सब कुछ लाया। उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, जबकि वो बूढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब सब हमेशा सब कुछ चलाती हैं, अपने जमाने की बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। तो मैंने लाया तो उन्होंने कहा कि सही पढ़ी हुई है, मैंने कहा कि फिर से पढ़ो, और फिर से वो पढ़ रही है, मुझे बोल रही थी कि ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मतलब कहीं जाऊँगी यहाँ, चूँकि मैं नई हूँ यहाँ नहीं। कल रात में मुझे जानकारी मिली कि है एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो मैंने अपने मेरा एक विद्यार्थी के हैं अमित्र के वर्धा में हैं, जिनके साथ ये कार्तिक जी रूममेट रह चुके हैं, उसको मैंने एज ए जे आर एफ मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने पढ़ाया था सबको, तो उनके माध्यम से इनका नंबर मिला, और मैं पता करके आज जैसे तैसे मुझे लगा कि मुझे आना ही है। समय कम है, मैं चार पंक्ति समर्पित करना चाहूँगी रविंद्रनाथ जी को। कुछ लोग गुजर जाते हैं, कुछ लोग गुजर जाते हैं जैसे दिन रात गुजरते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं आखाड़ के बादल से, कुछ लोग मगर भर जाते हैं, कुछ लोग मगर भर जाते हैं रजनी गंधा मन प्राणों में, कुछ लोग बसा जाते हैं बस्ती खामोश पड़े वीरानों में। जय रविंद्र। धन्यवाद रीचा जी, आप इतनी दूर से विभाग में आई, और ये रविंद्र साहित्य की ताकत है जो आपको खींच लाया, और ये हमारी हमारे कार्यक्रम की सार्थकता भी है। अब मैं आप सभी के प्रति, विशेषकर सोमा मैम के प्रति, विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गांगुली जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आएँ, और विशेषकर आप लोगों का धन्यवाद दें जो इतने उत्साह के साथ आए। ये धन्यवाद ज्ञापन इसके पहले रविंद्रनाथ को किस तरह मैं समझता हूँ, किस तरह से महसूस करता हूँ, किस तरह से विविध अनुभूतियों के जरिए उसे अपने जेहन में लेने का प्रयास करता हूँ, उसके बारे में दो टूक पहले कह लूँ। एक माँ के लिए उनका संतान या उनका बच्चा हर समय प्यारा होता है। एक बच्चा अगर वो बहुत संवेदनशील है तो उसके लिए भी उसके माँ के प्रति समान आग्रह, समान संवेदना, समान प्यार हो सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा जिसे पता ही नहीं कि सामने जो खड़ी है वो उसकी माँ है, ऐसी स्थिति में दो चरित्र और दोनों चरित्रों के बीच किस प्रकार का कथोपकथन हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रविन्द्रनाथ की कविता में है।
कविता का शीर्षक था कर्णकुंती संवाद और उसकी चार लाइन, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो लोग बंगला भाषा से या बंगला सुनने के भी आदि नहीं है, भाव से समझ जाएंगे कि किस प्रकार एक अनजान औरत सामने जो खड़ी है वो उसकी माँ है लेकिन उसे पता नहीं है, वो पूछ रहा है, पुन्नो जाह्नवी तीरे सुंधा सवितारे वंदनाय अचिरत कर्ण नाम जार अधिरत शुद्ध पुत्र राधा गर्भ जात सेई आमी तुमि के गो मातृ। यानी ये जो संबोधन है, सामने एक महिला अनजान है, उसे समझना कि कौन आई है मेरे पास, क्या मांगने के लिए आई है, तो संवेदनाओं को इस तरह से शब्दों में गूंद कर दूसरों के समक्ष एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना, शायद रविन्द्रनाथ जैसे साहित्यकार की कलम से ही ये निकल सकती है। मुझे तो लगता है ऐसी कोई अनुभूति नहीं है जो रविन्द्रनाथ की कविताओं में या उनके लेखों में या जो कविता बाद में गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो ये जितने ऐसे हैं अलग अलग अनुभूतियाँ, मुझे बैठे बैठे मैं सुन रहा था तो मुझे दाऊलाल कोठारी की याद आ रही थी। मैंने शायद क्लास पढ़ाते समय मैंने कहा जिन्होंने जलज भादुड़ी और दाऊलाल कोठारी दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने गानों को तोमर जी के निर्देशन में, आइए मैं संयोजन कर दूं। तो दाऊलाल कोठारी ये अपनी जिंदगी के बारे में कहते समय एक बार उन्होंने कहा कि एक बार मैं बहुत मायूस था। दाऊलाल कोठारी बाई प्रोफेशन शेयर मार्केट ब्रोकर थे और एक समय बहुत शेयर वो खो चुके थे, हार चुके थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था। वो सोच रहे थे कि मैं आज सुसाइड करने वाला हूँ। उनका मकान था तो वो फ्लैट मानिए कि 10वीं या 12वीं मंजिल के ऊपर से वो कूदने के बारे में नीचे सोच रहे थे कि मैं कूद जाऊँगा, लेकिन घर में तो सारे लोग हैं, पत्नी है, बच्चा है। तो अचानक पत्नी ने कहा कि मुझे आज मायके जाना है। तो उन्हें लगा वो खुशी खुशी उन दोनों को विदा कर दी कि जाओ, नहीं हम लोग जा रहे हैं लेकिन 8 बजे हम वापस आ जाएंगे। ठीक है तुम लोग जाओ ना, मैं हूँ आज घर में। दोनों निकल गए, दाऊलाल कोठारी पूरे मकान में और कोई नहीं है, उसके कमरे में वही अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कब शाम ढलेगी और मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। सिर्फ शाम ढलने का इंतजार था। बिस्तर पे पड़ा हुआ था गीतांजलि, तो सोचा कि अब तो बहुत समय है, बीच में 1-2 घंटे का फासला है, मैं क्या करूं, मैं बैठे बैठे पढ़ूं। ऐसे ही पढ़ा हुआ था लेकिन फिर पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते 8:30 बज गया और अचानक बेल की घंटी, बाहर से कोई बेल दबा रहा था, देखा कि पत्नी और बच्चा दोनों वापस आ गए। और मोटिवेशन देखिए कितने बड़े मोटिवेटर हैं। इसके बीच वो किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि मैं क्या सोच रहा था, मैं सुसाइड करने के लिए सोच रहा था। इस समय मैं जितना पढ़ लिया मुझे लगा कि ये सारी जो कविताएं हैं मुझे जीवन की ओर प्रेरित करती हैं, मैं क्यों बेवकूफ की तरह इतना मतलब ये घटिया मेरी घटिया सोच थी, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, ये मैं क्या कर रहा था। यानी जीवन से ये जो एस्केपिस्ट पलायन प्रतिवृत्ति है वहां से वो घूम के फिर जीवन के मूल स्रोत में आने की उन्होंने कोशिश की। तो रविंद्रनाथ में क्या है, मुझे लगता है कि ये जो उदाहरण है या जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा अनुभूतियों के बारे में कि ऐसी कोई अनुभूति बची नहीं है जो जिससे रविन्द्रनाथ की कविताओं में या उनके गीतों में जिसका उल्लेख ना हो। बहुत आनंद के समय, बहुत दुख के समय, बहुत विषादग्रस्त स्थिति में रविन्द्रनाथ की कविताएं जो हैं, रविन्द्रनाथ के गीत जो हैं, मन के किसी कोने को बेझिझक स्पर्श करके निकल जाती हैं। कब जाती हैं हमें पता नहीं चलता है, बाद में या तो हम याद करते हैं नहीं तो गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन लगता है शायद यही रविन्द्रनाथ। आप सब आज आए हैं इस क्या कहूँ
सफल बनाने के लिए, और दीदी हमारे बीच है रविनाथ के बारे में दीदी ने बहुत कुछ कहा, हमारी दोनों दीदियाँ यहाँ पर हैं, और ये जो टैगोर लेक्चर सीरीज है ये आगे भी होता रहेगा, नए नए वक्ता आएंगे, आप लोग भी उन्हें सुनिएगा, आप लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा हो बातचीत के जरिए उसे जहाँ तक हो सके हम उसे हल करने का या उसका समाधान जानने का, इसका उत्तर जानने